मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़ी लाइक कुछ 5-6 दिन बाद मैं आपके साथ लाइव शो में मौजूद हूँ. मैं गई भी थी अपने फैमिली के साथ, जैसे कि हमेशा कोरोना से पहले जाया करती थी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने, यासिर मैं और बच्चे. लेकिन कोरोना के बाद बड़ी दिनों बाद जो है वो मौका मिला 5-6 दिन के लिए बच्चों के साथ जाने का, क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे थी तो उसको उसके लिए हम घूमने गए. छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियोज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगी जैसे हमेशा शेयर करती हूँ. लेकिन उन सारी वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपको, चलिए पहले वीडियो शेयर करती हूँ, फिर जो मेरे साथ मुश्किलात पेश आई हैं ट्रैवलिंग में, जो आपके साथ भी आ सकती हैं, वो मैं आपको बताऊँगी. तो आइए, जो फिला की बर्थडे हमने सेलिब्रेट की, दुबई गए थे और वही 2 घंटे का ज़रा करीब होता है, मगर वहाँ जाने के लिए पहले कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता है पाकिस्तान से, और फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, फिर आपका दोबारा कोरोना का टेस्ट होता है. हाय हाय, मैं तो आप देख रहे हैं ज़रा नथने बड़ी हो गई होंगी, क्योंकि माशाल्लाह ये कोई 25वां टेस्ट तो होगा ना जब से कोरोना शुरू हुआ है. इतने टेस्ट हो रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है. और कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता है, फिर उसके बाद वापस आने के लिए भी कोरोना का टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल टास्क है. मैं पहले आपको ज़रा अच्छी अच्छी सी चीज़ें दिखाती हूँ. बड़े दिनों बाद ट्रिप अच्छा गुजरा इसलिए बर्दाश्त हो गया, लेकिन यकीन माने मैं आपके सामने सुबह भी खड़ी नहीं होती, फ्लाइट मेरी हमें छोड़ के चली जाती, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ वापस आते हुए, और किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए शेयर करूँगी. आइए अपनी एज़ मैके वाली अपनी ज़िंदगी की कुछ छोटी छोटी सी खुशियाँ जो कि मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं. तो सबसे पहले हम एयरपोर्ट गए, फिर हम पहले होटल पहुँचे, उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया. वहाँ क्या हुआ, पहुँच के मेरी आँख में हो गई इन्फेक्शन, जहाज में ही, मतलब सुबह शो करके गई हूँ मैं, फ्राइडे को निकली हूँ, उसके बाद मेरी आँख लाल होना शुरू हो गई, और आई डोंट नो लेंस शायद मैंने एक्सपायर्ड लगा ली थी, घर में पड़े हुए मिल गए, मैंने कहा वाओ, और मैंने डेट नहीं चेक किए, मेरे आँख में इन्फेक्शन हो गई. बलात साहब जो है उनको थोड़ा वायरल हुआ हुआ था, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक नहीं लेने दी कि वायरल है ये वो फलाना ढमाका. बहरहाल पहला दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया. हाँ भाई, मेरा 4 kg वेट बढ़ गया, मुझे नज़र आ रहा है. और ये आप सलवार कमीज पहन रहे थे तो आपको पता नहीं चलता, जब आप जीन्स वीन्स पहनते हैं तो आपको पता चलता है. और आज से डाइट शुरू कर दी मैंने, और यासर ने एक दूसरे को कह दिया है हमने टोकना एक दूसरे को अगर हमने कुछ भी ऐसा अलग बगलम खाया. ये जो मैंने आपको जगह दिखाई है, ये अल बरारी एक जगह है, वहाँ पे द फार्म रेस्टोरेंट है, बहुत प्यारा है, आर्टिफिशियल रिवर और वो जो वाटरफॉल है वो जेनरेट किया हुआ है. तो यहाँ जब भी आप दुबई जाएँ तो ये ज़रूर जगह ट्राई करेंगे, नई खुली है, बहुत प्यारी है, सूदिंग है, दरख्त 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 हर वक्त ग्रीनरी है, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, ज़रूर जाइएगा. आइए जी, फिर आगे चलते हैं. ये बता क्या, फिर मैंने लेंस नहीं लगाए, सन ग्लासेस लगा लगा के चश्मे तस्वीरें खिंचवाई, और जो है वो क्या कहते हैं, लेंस नहीं लगाए मैंने. ये कौन सी दिखा रहे हो? अच्छा, उसके बाद हमने सिला की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, थोड़ा रिजॉर्ट पे जाके, दुबई पार्क से, जहाँ बॉलीवुड मोशन पार्क, बॉलीवुड पार्क और लेगोलैंड, यानी कि बड़े बच्चे और छोटे बच्चे और उनके माँ बाप सबके लिए लाइक आपके लिए एक अच्छा पैकेज मिल जाता है. वहाँ एक रिजॉर्ट है, लपीटा रिजॉर्ट, वहाँ हम गए सिला की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. तो आइए देखिए हमारा वेलकम कैसे हुआ है. वीडियो भी है. हाँ, ये थोड़ी सी इससे खाली हमारे वेलकम की वो आ गई तस्वीर, लेकिन जो एक्चुअली मैं इसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी ना, वो बड़ा प्यारी जगह बनी है, ताकि अगर आपने अपने बच्चों के साथ जाना है कुछ 3-4 दिन के लिए तो आप जा सकते हैं. अच्छा जी, आप कौन सी वीडियो लगा रहे हैं आप? हाँ, जब हम यहाँ पहुँचे, इसकी वीडियो मैंने कहीं बाद में भेज दी है, जब हम लपीता रिजॉर्ट पहुँचे हैं ताकि बच्चों के साथ पार्क्स में हम इंजॉय कर सकें, तो सिला की बर्थडे हमने सुबह सुबह सेलिब्रेट की. जैसे कि कज़न होती हैं मीना एहतशाम, उन्होंने हमारे लिए सिला के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था, और सुबह जैसे ही हम उठे हैं सो के, तो ये देखिए हमने सिला की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, आप भी देखिए. हाँ जी, फिर उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद कपड़े शपड़े चेंज किए, खुद ज्वेलरी वोलरी पहनी हुई थी ना ज़रा, सब तैयारी में थे, केक काटा, ये वो एक दूसरे के साथ. ये मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, उसकी रीज़न ये है कि मैं अब फील करती हूँ कि हाय हमारी तस्वीरें कहाँ गई,
और मूछों वाली तस्वीरें नजर आएंगी हमारी, लाइक मूछ छुपा दी हमने, तो इसीलिए ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप बुढ़े हो जाते हैं, तो आप देखते हैं कि ये मोमेंट्स आपने कैसे शेयर किया। वो जो लॉकर में आपने गोल्ड रखा होता है, जो जमा पूंजी होती है या जो प्लॉट बुक कराया होता है, वो कोई काम नहीं आते। ज़िंदगी में यही छोटी छोटी यादें होती हैं, चाहे आप समंदर भी जाते हैं तो भी वहाँ कुछ तस्वीरें खींचते हैं वो भी याद आती कि यार इस वक्त हम भाग सकते थे, ऊँट पर बैठ सकते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कैप्चर करना, और शुक्र है स्मार्टफोन्स की वजह से ये रहती है आपके रिकॉर्ड में। फिर आप कौन सी दिखा रहे हो? हाँ, इसके बाद हम जो है ज़रा जो पार्क्स थे उसमें इंजॉय करने के लिए गए और बच्चे बन गए। यही फ़ायदा है जल्दी शादी और बच्चे होने का कि हम अपने बच्चों के साथ अब इंजॉय करते हैं, कमर में चुक नहीं पड़ती, पैर चल चल के थक नहीं जाते, मतलब लाइक आप बच्चों के साथ, आपके साथ बच्चे भी जवान हो जाते हैं और आप भी जवान रहते हैं। ये देखिए ज़रा हमने क्या पचकाना हरकतें की, लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, अब वो मतलब लाइक यासिर जो है उसको ऊंचाई से डर लगता है, वो तो नहीं बैठा ऊंचे झूलों पे, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ रोलर कोस्टर्स में भी बैठती हूँ, ऊंचे झूलों पे भी बैठती हूँ, बहुत मज़ा आता है और वो भी इंजॉय करते हैं। और साथ यासिर जो है वो बिलाज को जब तक बेबी सिट कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी ऊंचाई से डर लगता है। और हमारे साथ हुआ क्या, वो जो एक झूला था ना जिसमें बिलाज, मैं और यासिर बैठे हुए, वो ऊपर जाता है, तो बिलाज को इतना अच्छा लगा, हम दूसरी जगह थे, हम कुछ खा रहे थे, बिलाज ने कहा मुझे फिर से उस झूले पे जाना है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बस अब देर हो रही है, चलो चलो चलो। थोड़ी देर बाद मैं पलट के देखती हूँ, इधर उधर बिलाज गायब, किधर गया? वो खुद ही, क्योंकि इतना रश नहीं था कोरोना की वजह से, वो खुद ही उस झूले के पास पहुँच गया अकेला। जाके उसने वो जो खातून थी उनसे कहा मुझे झूले पे बैठना है। जब यहाँ से ढूंढता ढूंढता इधर उधर उसको पहुँचा उसके पास, तो बिलाज साहब बेल्ट लगा के झूले पे अकेले बैठ चुके थे। जस्ट इमेजिन के मैं तो कहती हूँ कि इस 6 साल की उम्र में मेरे दूसरे बच्चे तो इतने तेज़ थे ही नहीं, बिलाज बहुत ही तेज़ निकला भाई। तो फिर वो बैठ गया। अब कौन सी लगा रहे हैं हम वीडियो, फिर क्या हुआ? अच्छा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ लपीता रिजॉर्ट, जिसके मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी। ये पूरा रिजॉर्ट है जहाँ आप बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, 3 पार्क्स हैं इधर। आइए चल के देखते हैं। मतलब लाइक बड़े दिनों बाद थोड़ा सा हमने इंजॉय किया था, लेकिन एयरपोर्ट पे हमारे साथ क्या हुआ वो मैं आपको भी बताऊंगी। बस खत्म हो गई या है कुछ और? अच्छा, ओहो, मतलब लाइक सिला की तो ऐश ही हो गई ना, आजकल ये ट्रेंड है बर्थडे बहुत दफा होती है। तो एक दफा हम पाकिस्तान में थे, मैंने घर में ही छोटी सी एक सेटअप करा के, लाइक मेरी वो भी दोस्त हैं राबिया जो हैं, उन्होंने सेटअप किया था राबिया ने, और उसके बाद जो है वो हमने घर में सेलिब्रेट की थी दोस्तों के साथ। फिर हम दुबई जाके हमने अपने 5 फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट की थी। बच्चों, खासतौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कहते हैं ना लड़कियाँ पराई होती हैं, तो उनको वॉर्म्थ देना फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कल को चली जाएंगी, क्या उनका नसीब होगा, क्या उनका ससुराल होगा। तो बेटों से ज़्यादा मुझे लगता है बेटियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको इम्पॉर्टेंस दी जाए, उनकी छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट की जाएँ। और वैसे भी ज़िंदगी इतनी छोटी है, मुझे लगता है कि दुख जो है वो भारी हो जाते हैं हमारी खुशियों पे। मौके ढूंढने चाहिए कैसे खुशी आप दें किसी और को। तो सिला को अच्छा फील कराने के लिए मैंने घर में भी उसकी छोटा मोटा काबिया सेटअप कराया था। दिखाएं, ये उस दिन अवार्ड भी थे, RY अवार्ड, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की मोहब्बत का कि आपने चुना मुझे और मुझे अवार्ड मिला। मैं ARY का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। कुछ बड़े दुख के बाद, 1 महीने पहले बहुत बड़ा दुख मिला, उसके बाद 1 महीने बाद छोटी 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 सी जो खुशियाँ हैं वो समेटने का दिल चाहता है, क्योंकि मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो समेट लें जितनी खुशियाँ मिल सकती। तो मैं बहुत शुक्रिया करूँगी ARY की, नेटवर्क का, मेरे सारे बॉसेस का, मेरी पूरी टीम का, जिनकी वजह से मुझे 12 साल बाद अवार्ड मिला। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ भाई, ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब हमारे साथ क्या हुआ? एक तो भाई
कोरोना का टेस्ट कराना जाते वक्त तो जरूरी है, अब आते वक्त भी जरूरी हो गया है। मतलब मैं बता रही हूँ ना, मेरी नतली चौड़ी हो गई है क्योंकि इतना टेस्ट होता है, और वापसी में जो टेस्ट कराया तो दिमाग तक जाए जा रहा था। मैंने कहा रुक जा भाई, हो गया टेस्ट, हो गया क्या हो गया। और सिला का टेस्ट कुछ गड़बड़ हो गया, फिर सिला का टेस्ट रिपीट हुआ, और उसके बाद हमने था कि टेस्ट होने के बाद एक दिन बाद जो है वो रिपोर्ट्स आपको मैसेज पे आती हैं, फिर आप वो उसको प्रिंट कराते हैं और फिर आपको एयरपोर्ट पे दिखानी होती है। अच्छा जी, मेरी नज़र थोड़ी कमज़ोर है, मैंने उसको जल्दी से ठक 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 करके प्रिंट कराया, देखा ही नहीं, बस ये देखा नेगेटिव है, देखा ही नहीं कौन सी डेट है क्या है। मैं पहुँच गई जी एयरपोर्ट, और लंबी लाइन थी तो कोई 20 मिनट रह गए थे चेक इन क्लोज होने में। मैं बड़े सारी चीज़ें तैयारी है वो कि टेंशन ना हो, टाइम पे कल भी छुट्टी हो गई, आज भी छुट्टी ना हो जाए, तो पहुंच गई। अब 20 मिनट रह गए, उन्होंने कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट देखी, कह लेंगे नहीं ये तो वो वाला टेस्ट है जो आप पाकिस्तान से करा के आए, ये आपकी रिपोर्ट आप प्रिंट आउट करा के ले आए, वो रिपोर्ट किधर है जो आपने दुबई से कराई है। मैंने कहा भाई मैंने कल तो कराई है ना, मतलब एक दिन पहले तो कराई है, तो दो दिन पहले तो कराई है, एक दिन पहले तो कराई है, आपको 72 आवर्स पहले की रिपोर्ट वो एक्सपायर हो जाती है 72 आवर्स बाद। तो अब ढूंढ रहे क्या करें, अब हम पढ़े लिखे लोग, हमसे गलती हो गई, वो बेचारे जो थोड़े से ऐसे हैं जिनको ऐप्स वैप्स का पता नहीं है उनसे भी गलती हो सकती है। तो हम इधर भाग रहे उधर भाग रहे, क्या करें, ऐप कैसे डाउनलोड करें, मेरी बैटरी जा रही, एक क्योस मच गया। और साथ बलात साहब वहाँ पोटी आई है, वहाँ पिशी आई है, अब सब अपने मोबाइल्स पे वो रिपोर्ट जो है प्रिंट आउट करने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट नेगेटिव आ गए थे, वो अजीब क्योस मचा हुआ। फिर मैंने कहा यासर आप ले जाओ बलाज को वॉशरूम, नहीं नहीं मैं कैसे धुलाऊँगा, बस अजीब सी बातें हो रही थी उस वक्त। तो फिर अल्लाह का बंदा एक आया, कोई हेल्प करने वाला, वो एमिरेट्स का कोई बंदा, उसने आके हमारी हेल्प की, उसने फ़ोन किया हेल्थ क्लिनिक, उसने प्रिंट आउट्स मंगाए, और मैं आपके सामने हूँ। लेकिन जितना मैं एयरपोर्ट पर भागी हूँ, जैसे शाहरुख खान और वो काजोल नहीं भागे थे फिल्म में, उसी तरह हम सब भाग रहे थे पागलों की तरह। क्यों? क्योंकि हमारी फ्लाइट मिस हो जाती है, फिर आज का शो भी मिस हो जाता, आपसे मिलना तो रह जाता ना। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप अभी इस वक्त कोरोना के दौर में बाहर निकले तो ये बहुत तंग करती हैं ये चीज़ें, टेस्ट वगैरह, सारा आपका जो रिलैक्सेशन है वो दरी की दरी रह जाती है। तो इसका आपने ख्याल करना है, थोड़ा रिसर्च करके जाना है। तो जी यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आज के शो का कॉन्टेंट क्या है वो मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊंगी। आज हमारे साथ कुछ स्टार्स होंगे, कुछ न्यू कमर्स के साथ, उनको मिला जुला के हमने बहुत खूबसूरत सा शो डिज़ाइन किया। एक एनर्जी तो मेरे अंदर है ही, जब भी मैं थोड़ा बहुत कहीं से जाती हूँ घूम के आती हूँ, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाता है, और एक नए वो कहते हैं ना कि मॉर्निंग शो के कॉन्टेंट के साथ हम आपके सामने आते हैं। आज भी बहुत मज़ेदार शो है, आइए मिलकर देखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत मज़े का। आज हम बुलाएंगे एक ज़माने के हीरो हीरोइन और आज के हीरो हीरोइन। जिनको मैं अब बुलाने वाली हूँ वो मैं कहूँगी कि मैं पुराना ज़माना तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि वो अगर आप उनको अभी भी किसी ऐसे रोमांटिक कैरेक्टर में या किसी ऐसी जगह प्लेस करे या फिट इन करे फिल्म में, तो वो बहुत अच्छे से रोमांस भी कर सकते हैं, कॉमेडी भी कर सकते हैं, इमोशनल सीन्स भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको कल का तो नहीं कहूँगी, लेकिन भाई एक ज़माने में वो मेन लीड्स हीरो हीरोइन के तौर पर आपको नज़र आते थे, और जो मेल एक्टर हैं वो तो अभी भी जवान हीरोइनों के साथ कभी कभार हीरो आ जाते हैं भाई, बहुत सारे ड्रामों में और फिल्मों में मेन लीड्स में भी आ रहे होते हैं। और मैं कहती हूँ कि जो पाकिस्तानी फिल्म है ना, उसमें एक इंग्रेडिएंट का होना बहुत ज़रूरी है बाकी सारी चीज़ों के साथ। उस फिल्म में ये जो मेल एक्टर हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर कोई भी फिल्म अधूरी होती है। हमारी अभी तक माशाल्लाह हम 4 फिल्में तीन रिलीज़ हो चुकी है और अभी एक रिलीज़ होनी है, 4 फिल्में हम बना चुके हैं, और उन 4 फिल्मों में यासिर इनके बगैर काम नहीं कर सकता। हमें क्या वजाहत रऊफ़ को ले लें और दूसरे प्रोड्यूसर्स को ले लें, वो नबील कुरैशी को, वो इनके बगैर काम ही नहीं कर सकते। तो हमेशा ऐसा होता है, अच्छा वो भी हैं, वो तो होंगे ही। तो माशाल्लाह उन्होंने अपना भरपूर हीरोइज़म का ज़माना गुजारा है, लेकिन उसके बाद बड़ी समझदारी से उन्होंने वो कैरेक्टर्स चुने हैं फिल्मों में जो उनको हमेशा एवरग्रीन रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बुलाऊंगी अपने उस ज़माने के हीरो
जिनका आज भी बोल बोला है। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड एक्टर एंड डायरेक्टर जावेद शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब लाइक कोरोना में शायद पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, इन द सेंस के लाइक फिल्म के शूट पे तो मिले हैं, शो पे यस। अब मैंने कहा जब थोड़ा सा जरा दूर दूर हो गया है सब कुछ, ऑडियंस नहीं है तो आपको बुलाऊं। और ये बहुत जरूरी है निधा, देखे लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया है, मगर हमें इसका बहुत ज्यादा ख्याल करना है। जैसे हुकूमत ने अब ऑब्वियसली एक्सटेंशन कर दी है, सिनेमा हॉल शादी हॉल नहीं खुल रहे, तो हमको ख्याल कर रहा है, अभी भी कोरोना है। अच्छा आपको पता है लाइक 5 दिन हम आप भी दुबई में थे अभी 2-3 दिन पहले, मास्क उतरा हो तो 3,000 दिरहम का फाइन है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ भी कोई ऐसा फाइन हो जरूरी है, ये बहुत आदत हो गई है। अब मुझे अजीब सा लग रहा है कि मास्क नहीं है मुंह पे, अजीब सा हो रहा है। बस ये लोगों को आपने यानी कि आपका तो डेवलप करनी पड़ेगी। हाँ, है ना? तो ये बिल्कुल ये हमारे तो मतलब लाइक ऐसी चल रहा है, फेस्टिविटी चल रही है। हाँ, वो तो पार्टी कर रहे हैं लोग, तो ऐसे होटल में गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये जो देखे ना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाय हाय, हम कोरोना की बात नहीं करते, वो अजीब सा वो एक वजह आता है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कल के हीरो की और आज के हीरो की। तो आप माशाल्लाह अगर मैं काउंट करूं तो कितने साल हो गए आपको फिल्म इंडस्ट्री में राज करते हो? अगर शुरू पहली फिल्म से ले तो 45 ईयर्स। और आपने मुझे बताया था एक बड़ा मज़ेदार किस्सा कि पहला कैरेक्टर आपने किया था ऊंट पे। Yes. वो क्या था बताइए जरा, क्या जो आपको पहली दफ़ा आपने स्क्रीन को लाइक फेस किया था वो कैसे किया था? नहीं नहीं, वो तो बचपन में स्कूल में मैं पढ़ता था। हाँ। शौक था काम करने का। हाँ। और फिर हम स्कूल से 2-3 दोस्त थे, वो भागकर हम ईस्टर्न स्टूडियो इधर कराची में। हाँ। हम शूटिंग देखने आया करते थे, तो ऑब्वियसली हमें इजाज़त तो नहीं होती थी। तो एक दिन हम ऐसी दीवार पे चढ़ के हाँ। हम एक्टरों को देखते थे कि भाई कौन एक्टर इस वक्त, तो उस वक्त मोहम्मद अली साहब। हाँ। नदीम साहब, वहीद मुराद साहब, शमी मारा साहिबा, यू नो। हाँ। तो ये सारे उधर होते थे, तो हमें वो नज़र आते थे। हाँ। हम बहुत खुश होते थे। एक दिन हम दीवार पे थे तो इतने में एक चौकीदार आया। हाँ। और उसके हाथ पे डंडा था। हाँ। और वो हम दीवार छोड़ के भागे हैं और वो हमारे पीछे भाग रहा था। हाँ। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, फिल्म में काम देना है तुम्हें। अरे हमने कहा फिल्म में काम देना? बोला यस। हाँ। अब वो हमने हिम्मत करके हम उसके पास गए, वो हमें स्टूडियो के अंदर ले गया। अच्छा। अब ये पहली दफ़ा थी कि स्टूडियो के अंदर हम दे, यहाँ से ये नदीम साहब जा रहे हैं, यहाँ से मोहम्मद अली साहब जा रहे हैं, यहाँ फना जा। अब वो हमें लेके डायरेक्टर के पास चले गए। हाँ। अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका नाम था शेख हसन साहब। अच्छा। और फिल्म का नाम था जाग उठा इंसान। वो भी याद है आपको? यस ऑफ कोर्स। फिर क्या हुआ? तो वो मुझे वहाँ लेके 3-4 लड़कों को, उन्होंने कहा कि भाई ये शेख साहब ये लड़के आए, उन्होंने देखा हाँ ठीक है बस इनको वो कपड़े शपड़े दे दो, और पलो यहाँ से स्टूडियो से निकल के मंगो पीर की पहाड़ियों पे शूटिंग थी। अच्छा। वो सीक्वेंस था कि मोहम्मद अली साहब एक इलाके के सरदार थे। हाँ। और उनके इलाके के जो वो वहाँ पे नहीं थे, तो उनके इलाके के जो मर्द हजरात। हाँ। थे तो उनको उन्होंने वो मार दिया था। हाँ। तो वो खैर वो हमें लेके चले गए। क्या कैरेक्टर मिला? अच्छा सुने ना, तो हाँ। हम गए वहाँ पे, उनको उतारा, 10-15 ऊंट थे। हाँ। उनमें एक 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 लड़की बैठी थी, हम 3-4 लड़के थे, हमको उनके साथ बिठा दिया। अच्छा। अब हम बहुत खुश के भाई कैमरा लगा हुआ है हमारा। हाँ। ऐसे जा रहे, जैसे ही टेक का वक्त आया तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई वो जो दुपट्टे हैं इनको, उनको बोलो कि सर पे ले ले। तो हमने दुपट्टे आप लोग? हाँ, बोला हाँ, क्या आप लोग सर पे ले ले? यस हम भी सर पे ले ले। हमारे साथ जो लड़की बैठी उसने तो लिया ही वाला। हाँ। मगर जो हम लड़के थे हमको भी कहा कि दुपट्टे ले ले। अब हमने दुपट्टे ले लिए, हम अंदर से रो रहे हैं कि हमारी शक्ल ही नहीं आएगी तो लोगों को क्या पता लगेगा। वो राजस्थानी बन के वो किया हुआ था। नहीं सुने ना। हाँ। तो जब वो शॉट हो गया। हाँ। अली साहब खड़े थे, काफला गुजरा, सारा कुछ है, शॉट हो गया। तो अब हमने पूछा जाके, यार हमारी तो शक्ल ही नहीं आई है। हाँ। ये तुमने ये क्या किया हमारे साथ? कह रहा है कि भाई बात ये है कि ये औरतों का काफला था, हमारे पास औरतें कम थी इसलिए हमें भी ये। So that was यार ये my first गार किस्सा है। Appearance. First appearance yes. as औरत. Yes. I love them. अच्छा, please तशरीफ रखिए, आइए इधर आ जाइए ना। Yes.
कि अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। एक ज़माना था, मतलब मैं ये कहती हूँ कि जैसे आप लोगों का ज़माना था जिसमें आप सलमा आगा, आप नीली, नदीम साहब, शबनम, मोहम्मद अली, जेबा, बाबरा, शाहिद, कविता, जो भी लाइक जो कपल्स हिट होते थे उनकी एक के बाद एक फिल्में जो हैं वो आ रही होती थी नज़र। आज हम तड़प रहे होते हैं, फवाद और मायरा जो है वो हम सफर करके उसके बाद हमने उनका कुछ और देखा ही, हम इंतजार में हैं कि वो कब एक साथ आएंगे। तो क्या नाम है उसका, हमजा और आयजा जो हैं वो एक ड्रामा करके उसके बाद कभी आए ही नहीं साथ। तो आई डोंट नो ये जमाना क्यों चेंज हो गया है। आप लोग तो माशाल्लाह वो कपल्स होते थे, कभी कभी रियल कपल भी बन जाते थे। तो यहाँ पे ये थोड़ी तिश्नगी रह जाती है कि आपको वो कपल्स जो आपके फेवरेट हैं उनको बार बार देखने का मौका ही नहीं मिलता। कम है ना फिल्में, उस वक्त फिल्में ज्यादा बनती थी, फिल्में हो, अब तो मैं ड्रामे की बात कर रही हूं, नहीं तो ड्रामे है, तादाद नहीं है। इंशाल्लाह 2-4 साल में ठीक हो जाएगा तो ऐसे आपको नजर आएंगे। चले देखिए भाई, इंडिया की अपनी ड्रीम गर्ल है लेकिन हमारे पाकिस्तान की अपनी ड्रीम गर्ल रही हैं, और आपने इनको मतलब आई डोंट नो इतनी खूबसूरत ये थी, मैं जब इनको देखती थी कि इनके यहाँ एक डिब्बल पड़ता है, इनकी आँखें, इनकी नकूश, इनकी एक्टिंग में वो लाइवलीनेस तो हमेशा से मुझे प्यारी लगी है। अच्छा, हमने NTM में फिल्म्स रिपीट हुई थी तो हमने उनको बहुत गौर से देखा, पाकिस्तानी फिल्मों को वो दिखाते थे तो हमने तो पहले तो नहीं देखी थी, हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन उसके बाद जब वो रिपीट हुई तो फिर हमने आपकी भी फिल्में देखी, जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ उनकी भी फिल्में देखी और बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा, वो खुद तो फिल्म एक्ट्रेस थी ही लेकिन साथ फिर उनकी बेटी भी आगे फिल्म एक्ट्रेस बनी और अभी भी वो कभी कभार आपको कहीं कहीं नज़र आती हैं। आइए, बड़े दिनों बाद मेरे शो पे आपको नजर आएंगी, अपने जमाने की बेहतरीन एक्ट्रेस और हीरोइन रह चुकी है। वेलकम करते हैं निशो जी। रंगीला सोसाइटी गर्ल, ये अमन, कैसी हैं आप? हम कौन ही मिला सकते, क्या करें, कैसी हैं आप? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो। तो बैठेंगे यहाँ, आए ना जावेद साहब की तरफ बैठे। अच्छा, इन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि इनकी अपीयरेंस कैसे थी और वो याद आती थी पहली अपीयरेंस बचपन में, लाइक जब इन्होंने राजस्थानी लड़की बन के ऊंट के ऊपर अपीयरेंस दी। आपकी कोई ऐसी कहानी है जो लाइक शौक हो और फिर इतना ऐसा कोई मौका मिला हो? मेरी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसा कोई ऐसी स्टोरी नहीं, क्योंकि आते ही मुझे सेलेक्ट किया था बाजी फिल्म में। अच्छा, एक बहन का रोल था। कैसे आपको ढूंढा, कैसे था, कहाँ मिली थी आप? मतलब ये शूटिंग देखने आए थे। अच्छा। मैं एग्जाम दे के आई मैट्रिक का, तो आप भी शूटिंग देखने गई? मैं शूटिंग देखने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, पूरा एक काफिला था हमारे साथ। अच्छा, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी प्यारी लड़की है। हाँ। तो उस वक्त मैं लड़की थी। नहीं, आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। तो उस वक्त उसमें उन्होंने कहा एक सिस्टर का रोल है मोहम्मद अली साहब की। अच्छा, तो उसके लिए सिलेक्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते जैसे ग्रूमिंग की उन्होंने, मिसेज इकबाल शहजाद ने बहुत ज्यादा मेरे पे तवज्जो दी और मुझे मेरी ग्रूमिंग के लिए उन्होंने, कि आप दोनों जो है एज फैंस देखने गए हैं फिल्म। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि स्कूल के ड्रामे में मैंने हिस्सा लिया। अच्छा, तो मेरी टीचर ने मुझे स्कूल वो ड्रामे से निकाल दिया कि तुम कभी अच्छी एक्ट्रेस भी बन सकती। कहाँ है वो टीचर? खूबसूरत होना कोई कमाल नहीं, टैलेंट भी होना चाहिए। वो टीचर जरा देखिए आप, पता नहीं बुड्ढी खुड्ढी होंगी। हाँ बेटा, तो जी ये है हमारे वो एक्टर जो एवरग्रीन है, और किस तरह का प्रोफेशनलिज्म होता था, क्या होता था इनके ज़माने में, सारी बातें होंगी। क्या उस वक्त भी बेबी होती थी? उस वक्त भी नखरे होते थे? उस वक्त भी जूस पिला दो, मम्मी को दे दो, ये सारी बातें होती थी, ये हम इनसे जानेंगे। लेकिन आज के उभरते हुए फनकार जो आपको ड्रामों में अब नज़र आए हैं, लाइक अपनी जगह बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनको इस फील्ड में आए हुए, जिन जो जो हीरो हैं जिनको मैं अभी बुला रही हूँ, जो आज के हीरो हैं, वो मेरे शो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं, गेस्ट पहले नहीं आए। आपने इनको देखा है गलती ड्रामा में, पाकीज़ा फुप्पो में, मेरे अपने, मोहलत, उड़ान, बेजुबान और भी बहुत सारे ड्रामे होंगे जो मैं इनको पूछ के मतलब उनसे पूछूंगी, क्योंकि ये अभी आजकल के हीरो हैं। ये कैसे आए इस फील्ड में और आज के ज़माने की बातें होंगी इनके साथ। आइए वेलकम करते हैं उसामा खान।
अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। देखिए भाई, हैंडसम बच्चा है हमारा है। जी तो देखिए, आपने सुना होगा, जैसे आप अगर आपके कान में आवाज गई होगी कि जावेद साहब और निशो जी दोनों देखने गए हुए थे, मतलब लाइक कोई शूटिंग, और उनको मौका मिल गया ऐसे आने का। अच्छा, मैं क्योंकि जावेद साहब ने बताया कि उनको 45 इयर्स हो गए, तो मैंने कहा मेरा 5 अगर रिमूव कर दें तो फिर कहीं होगा। चार साल हो गए। अच्छा, स्ट्रगल से शुरू किया, कैसे शुरुआत की? मैंने इनिशियली लाहौर से, मतलब एंजेलिन मलिक आई हुई थी लाहौर। आप लाहौर में रहते? मैं लाहौर में रहते जी। तो बेसिकली तो मैं गुजरांवाला से हूँ, लेकिन मैं लाहौर में रहता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे एंजेलिन ने आई हुई थी, वो उस टाइम पे कास्टिंग कर रही थी किसी कैरेक्टर के लिए, तो वहाँ पे एक कैरेक्टर सूट किया और वहाँ पे फिर हो गया इनिशियली। तो फिर मतलब लाइक शौक था या एंजेलिन को मिले कैसे? हाँ, ये एक स्टोरी है। अच्छा, मुझे नहीं पता ये रिलेटेबल है वैसे जावेद भाई से, कि मैंने एक दफ़ा, मेरी अम्मी ने मुझे इस तरह का सुनाया कि जावेद शेख ने एक दफ़ा, ये इस तरह से इनको बहुत शौक था, तो ये पीसी में गए थे, तो वहाँ पे लोग, ये मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। अच्छा। तो पीसी में गए थे, वहाँ पे शौक से बैठते थे कि किसी से मुलाकात हो जाए मेरी। हाँ, वहाँ पे उस टाइम पे अच्छा, मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि आपको पीसी में बैठ जाते थे कि कोई गुजरे। बिल्कुल सही है, है ना? ये कहीं मैगजीन में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैंने ये पढ़ा था। हाँ, तो ये मेरी अम्मी ने मुझे सुनाया था। अच्छा। तो इनको शौक था, तो मैंने भी उसी फॉर्मूले से, फिर आपको भी शौक था? हाँ, शौक था। फिर मैंने उसमें एक जिम है, वहाँ पे सारे ही एक्टर्स वगैरह। अच्छा अच्छा। और डायरेक्टर्स जिम में जाके बैठ गए रिसेप्शन? मैं 4 साल से जिम रिसेप्शन पे नहीं, जिम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल उस सोसाइटी में मूव करना चाहिए जहाँ पे आपने वहाँ पे जाना हो। हाँ। तो मेरा ख्याल है उसी। अच्छा, आपने वो चीज़ इनकी पिक की? मैंने वो चीज़ पिक, मैंने एक जगह इंटरव्यू भी दिया, मैंने इनका नाम भी मेंशन किया था। अच्छा। आज मेरे सामने है, तो फिर मैं, वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जी तो अब मैं एक बहुत प्यारी सी लड़की को बुला रही हूँ, वो भी अपने बलबूते पे स्ट्रगल करके वो इस फील्ड में आई है, और अब देखते हैं कि कितनी आगे जाती हैं, कितना अर्सा हो गया। ऋषि जी, आपको कितने साल हो गए माशाल्लाह इस फील्ड में? प्लीज डोंट आस्क मी। अच्छा, ओके सर। मैं आपकी नॉट एट ऑल, कभी, आपको पता है जो हीरो हीरोइन होते हैं, ग्लैमरस होते हैं, उनसे कभी एज का क्वेश्चन नहीं। मैं एज तो पूछी नहीं ना, मैं नहीं, कितने साल हो गए? काम तो बचपन से है ना इंडस्ट्री में। ओके ओके, उन्होंने बताया तकरीबन 40 इयर्स हो गए। हां, तो ये तो फखर की बात है, एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, दिल जवान है हमारा, माशाल्लाह। और क्या। तो जी, अब मैं जिस प्यारी सी लड़की को बुला रही हूँ, उनको आप देख रहे हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, जिसमें शामिल है सामरी, मलाले यार, मेहरपोश, अभी शॉर्ट फिल्म्स भी कर रही हैं, और मेरे शो पे एक आध बार आ चुकी ना, मैंने उनको पर्सनलाइज इंटरव्यू किया था। छोटी सी, प्यारी सी, सीधी सादी सी हैं आज की हीरोइन। आइए वेलकम करते हैं ज़ैनब शबीर। ओए ओए, आज तो खास ज़ैनब, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। ये एक जमाना था जैसे ज़ैनब दुबली पतली है, मैं भी वैसी थी, आप भी वैसी। मैं भी बहुत, बिल्कुल सारी टीम के पीछे लोग यही बोल रहे हैं कि कैसे दुबली हो, और एक जमाना था हम भी दुबले होते थे। हाँ, ये वाकई, ये जमाना होता है, और उसके बाद हम डाइट कर करके। नहीं, आप तो वेल मेंटेन्ड हैं। नहीं, लेकिन मैं इतनी पतली थी, लिटरली मेरी गर्दन इतनी लंबी और पतली थी। ज़ैनब, तुमसे भी बहुत सारी बातें करेंगे, आज के हीरोइन, कल के हीरोइन, आज के हीरो, कल के हीरो, ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, और हम ये आपके सामने अभी बहुत मज़ेदार शो लेकर आएंगे। छोटे से वक्त के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किसान, कल की हीरोइन, कल की हीरो, आज की हीरोइन, आज के हीरो हैं आज हमारे शो पर, और भाई इनसे सुनेंगे क्या डिफरेंस आया है, क्या चेंजेस आ गए हैं। अच्छा भाई, यहाँ मैं तुमसे पूछूंगी पहले ज़ैनब, कि अभी क्या होता है, टाइम पे पहुँचना होता है, थोड़ा कितना गाड़ी को वेट करा सकते हैं, किस तरह होती है शुरुआत? मेरे ख्याल से अब हैं रिस्ट्रिक्शंस, मुझे पहले का नहीं अंदाजा। हाँ। लेकिन अब आप टाइम पर लेट अगर पहुंचते है। हैं, हाँ। तो जो भी ड्राइवर हैं या हमारे जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, दे कैन कंप्लेन, अच्छा, विच इज़ अ गुड थिंग, कि लेट आया एक्टर, तो पंक्चुअलिटी तो हर चीज़ मतलब में जरूरी है। अपने घर से लेट निकले हैं, लेट गाड़ी में बैठे। हाँ, exactly, वो सब कुछ नोटिस करते हैं, बताते हैं। आजकल है, मुझे ऐसा लगता है, जो अब जो नहीं आते वो नहीं आते, वो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, लेकिन जो तंग करते हैं वो ज्यादा देर तक, तुम्हें लगता है कि वो स्टे नहीं कर पा रहे आजकल लोग, इस मामले में थोड़े कॉन्शियस हो गए?
या नहीं? नहीं हाँ नहीं जो नए तंग करने वालों हैं। निशा जी यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लाइक देखिए नफरत तो सेलिब्रिटी के साथ थोड़ा चलता है ना, मतलब तो क्या जैसे अभी टाइम की बहुत पाबंदी है क्योंकि लड़कियों को मेकअप वेकअप होता है तो उनको इस वजह से अभी जैसे नेल पॉलिश लगाते थोड़ा सा मुझे भी टाइम लग गया। नहीं तो आप जब आई थी नई नई जी तो उस वक्त क्या होता था, आप पंक्चुअल थी, टाइम की पाबंदी करना उस जमाने में क्या? देखिए जब काम की इतनी ज्यादा हो गई थी कि आते आते भी सुबह देखिए रात को अगर हम 3 बजे सोए हैं सुबह 5 बजे उठना, एक टैडी शिफ्ट थी और एक और 5 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी, उन्होंने मजाक में मोहम्मद अली साहब कहते थे ये निशो शिफ्ट है। अच्छा 5 से 7 बजे तक ना सुबह 5 सुबह हाँ 5 to 7 ये निशो शिफ्ट क्या मतलब? मतलब सुबह एक नई शिफ्ट थी कि टाइम नहीं था मेरे पास या उनके पास और टैली नहीं होता था, एक 2 घंटे अच्छा 5 to 7 अच्छा सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। तुम लोग उठ सकते हो इतनी जल्दी? और ये वाकई सही 2 बजे आकर सोना रात को हाँ। और 3 बजे उठ के 5 बजे सेट पे होना हाँ। तो एक दिन मैं आई तो मैंने देखा कि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हाँ। वो 10-15 मिनट हाँ 15 मिनट लगा तो मैंने देखा मोहम्मद अली साहब जिनको हम अली भाई कहते थे बड़ा फादरली डील करते थे हमसे, बहुत प्यार बड़ी शफकत से पेश आते थे, तो वो देखा तो वो एवेन्यू में टहल रहे हैं कि 15 मिनट आप लेट हो। मेरी तो जान ही निकल गई, मुझे टाइम देख के कहते हैं वेरी बैड निशो पंक्चुअलिटी का जिंदगी भर ख्याल रखोगी तो तुम आगे जाओगी, तुम अभी भी हिट हो लेकिन इसको मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आपसे पूछूंगी जावेद साहब, जैसे आप लोग अगर लेट होते थे क्या क्या ट्रेंड था जब आप हीरो आ रहे थे, नीली थी आपके साथ? लेट कभी भी नहीं हुआ। नहीं, वैसे वो आपकी आदत अभी भी है? कभी लेट नहीं, पंक्चुअल माशाल्लाह वक्त से टाइम से बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार वो आज के नए एक्टर आने के लिए आप क्या कहते हैं, उनको क्या मशवरा? तो मैं उनको कहता हूँ कि 3-3 P's वो अपना ले, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, 1 P स्टैंड्स फॉर passion, okay, second P stand for patience and the third P stand for punctuality. It's wonderful. बहुत अच्छा punctuality. आपके जमाने में कोई लेट नहीं होता था क्या? इत्तफाक होया मगर ऐसा कोई आपको किसी हीरोइन ने वेट कराया? नहीं कोई ऐसा नहीं था फिल्म के लिए अरे फिल्म में ही ऐसा होता था, यहाँ तो टेलीविजन में तो ऐसा कोई मुझे कभी ऐसा इत्तफाक नहीं हुआ ऐसा। अच्छा मैं खुद भी कभी लेट नहीं हूँ। यहाँ मैं आपसे पूछूंगी सामा सर, आप बताएं क्या ट्रेंड है आजकल, क्या चल रहा है? अच्छा वैसे मेरे ख्याल लड़कियों को थोड़ा जल्दी कॉल टाइम होता है, लड़कों का थोड़ा सा लेट होता है मेकअप में, थोड़ा सा टाइम होता है तो मेरे ख्याल लड़के तो ऑन टाइम ही होते हैं, लेकिन मैं लड़कों के बारे में सुना है मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगी लेकिन मुझे तो सारी खबरें मिल जाती है ना, बिल्कुल सुबह तो वो आ ही नहीं सकते, आप उनको जो है वो कॉल टाइम अगर सुबह का दे दिया, आपको सनलाइट में सारा काम करना है, आपके बारे में मैं नहीं कह रही लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आदमी बन चुके हैं। अच्छा वैसे इट डिपेंड्स कि आपका क्या है कितना आप पंक्चुअल है। वैसे नॉर्मली मैंने अभी तक जितने के साथ काम किया, मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरे ख्याल है इतना ज़्यादा नहीं हो, 15-20 मिनट हो गया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम जब बाहर जाएं कोई कमर्शियल शूट करने के लिए तो वहाँ पे आपको सबको छोड़ के भागना पड़ता है, वहाँ पे कोई आपका वेट नहीं करे, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है आपने बैठना है गाड़ी में, 15 मिनट है आपके पास। पर्टिकुलरली आउटडोर में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने सनलाइट में। मैं किसी को बताता हूँ कि टर्की में कमर्शियल था और वहाँ पे उन्होंने कॉल टाइम दिया कि 10 बजे गाड़ी में बैठ जाना, गाड़ी चली जाएगी, और मैं आराम से यहाँ के हिसाब से मैंने 9:30 बजे नाश्ता किया, मुझे फोन आया कि 10 मिनट में गाड़ी जा रही है और मैंने जैकेट छोड़ी सबको टी शर्ट में छलांग मार के गाड़ी में बैठ गया और वहाँ सर्दी लग रही थी, लेकिन वहाँ पे है, यहाँ पे मेरा ख्याल है हम आधे पौने घंटे का मार्जिन ले लेते हैं। अच्छा अब यहाँ मतलब लाइक अब ये होता है कि मैं डाइट का खाना खाऊंगा, मेरे तो फलाना रेस्टोरेंट से खाना आएगा, ये मुझे पता है कि अभी कोई जो खाना आया मतलब पूरे क्रू वगैरह के लिए वो नहीं खा रहा होता, अलग से खाना चाहिए होता है, क्या आप लोगों के ज़माने में भी यही सिस्टम होता था कि आप लोगों का खाना एक अलग जगह से आएगा या जो पूरी फिल्म का आया हुआ है खाना वही खाना है? नहीं ऐसा नहीं है हमारे यहाँ तो जैसे
वो मजनू था, मजनू बहुत अच्छा खाना बनाता था, मजनू बहुत फेमस कुक था। अच्छा। जो स्टूडियो के बाहर ही, एवेन्यू स्टूडियो के बाहर ही उसका था। हाँ। तो वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। हाँ। तो वो उसको साथ लेके जाते थे आउटडोर में। अच्छा। अपने साथ ही तो वो खाने वो ही बनाते थे। अच्छा। और ऐसा नहीं, मजनू तो बड़े हिट होंगे, बड़ा हिट था, सबका फेवरेट ना। और अगर किसी ने कोई मतलब जैसे डाइट कॉन्शियस आर्टिस्ट होते हैं तो फिर घर से ना सैंडविच है, थोड़ी सैलेड है। ये लंच बॉक्स ना हीरो हीरोइंस के लिए होता है। ये खास बन के आया बहुत था। यस। और वो बड़ा बड़ा मतलब हिट था, वो भी हिट था, लेकिन थोड़ा मॉडर्न खाना, जो जरा थोड़ी अवेयरनेस हुई कि नहीं मतलब ऑयली खाना नहीं खाना फिगर मेंटेन रखने के लिए। हाँ। तो हो, लेकिन फिर भी इंसान इंसान है ना। बिरयानी बनी हो तो कितना मजा आता है, पुलाव आपको देखा कि आप खाना बड़ा कैलकुलेटेड खाते हैं अपने आपको मेंटेन रखने के लिए। शुरू से आप ऐसा करते थे या पहले आपको शौक था जरा मोटा हो जाऊं मैं? शुरू से बहुत कम खाता हूँ। अगर देखे मुझे भूख है चार रोटी की मिसाल के तौर, तो मैं दो खाऊंगा। अच्छा। आधा पेट खाली रखूंगा। ये तब से आपकी आदत तब से है और अभी तक है। और आप क्या करती थी, आपको शौक है खाने का ज्यादा या अभी? बहुत शौक था, लेकिन यह कि एक डाइट है पोर्शन कंट्रोल। हाँ। वही आप भी वही खाती हूँ, सब कुछ पेस्ट्रीज खाती हूँ, लेकिन अपना पेट समझ के, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत कम। लेकिन एक चीज रेजिस्ट नहीं होती के? जब हम काम करते थे तो एक चाय आती थी मीठी वाली, नहीं मीठी वाली नहीं, ऊपर मलाई की लेयर थी। ओह माय गॉड, वो मलाई वाली नहीं, मलाई के कम मलाई हो तो वो फिर नहीं पी जाती। उसको फिर उसको भी मैं आधा पीती थी, लेकिन मलाई ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी। अच्छा, यहाँ तुम लोगों का क्या सिस्टम, तुम तो पतली दुबली हो। मैं सब खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ। लकी मेटाबॉलिज्म, आई एम ब्लेस्ड, या आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं सब खाती हूँ और माशाल्लाह मैं ऐसी चीजें खाती हूँ जिनसे वेट गेन होता है। चीज खाऊंगी, मेरी फेवरेट चीज पिज्जा। अभी तो तुम्हारा शौक होगा ना, मैं कुछ थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, दाल भर जाए तो उसकी मोटी हो जाऊंगी, तो ये वो। और मुझे खाने पीने का ही बहुत शौक है। हाँ। तो मैं खाती हूँ और नहीं लगता। और आप तो मुझे जिम जाते हो, फौरन लग जाए, इसलिए मैं जरा कैलकुलेटेड कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल होता है। और मैं नॉर्मली मैं कोशिश करता हूँ कि अपना टिफिन साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, घर से मैं खुद बनाता हूँ, तो मैं खुद वो बना के लेके जाता हूँ, क्योंकि हम फैमिली पंजाब में होगी तो फैमिली पंजाब में। हां, तो उससे मैं खुद ही सैलेड बनाता हूँ और वो बना लेता हूँ, दलिया बना लेता हूँ। हाँ। और मैं ले जाता हूँ सेट पे। अच्छा, आई डोंट नो कि तब के शौक और अब के शौक में कोई फर्क है या नहीं, ये मैं पूछूंगी। जब आप हीरोइन थी जी जी, तो आपका क्या, आपकी हॉबी क्या थी? मतलब जैसे मेरी हॉबी अभी है कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखती हूँ। नहीं तो आते ही मैं इतनी बिजी हो गई थी, पहली फिल्म बाजी सुपर हिट, पहली फिल्म बाजी सुपर हिट, रंगीला सुपर हिट, ये अमन सुपर हिट, टाइम ही नहीं था। तो ट्रैवल करते आपका तो मुझे पता है, आपको तो ट्रैवलिंग का शौक है, हॉबी आपकी तब से यही है। वो हमारी आउटडोर में हो जाती थी। हाँ। नहीं, फिल्म देखो, मैं तो फिल्म में आने से पहले ही ट्रैवलिंग में था। वो आपकी हॉबी थी? यस, ट्रैवलिंग करना। और उससे कितना बंदा सीखता है ना, बहुत ट्रैवलिंग से बहुत। मैं वही, जैसी ये हॉबी है ना, काम के अलावा आपकी क्या हॉबी, क्या शौक था आपका? मेरा शौक था पढ़ना, बुक्स पढ़ना। हाँ? शायरी, पोइट्री पढ़ना, नज़्म, अदबी ज्यादा। अब मैं खुद लिखती भी हूँ। हाँ। खुद भी गजलें और नज़में, सारी पोइट्री में। अब तुम्हारी क्या हॉबी है काम के अलावा, तुम्हारी क्या हॉबी होती है? हॉबी मेरी मेरे ख्याल से होती है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे पहले। तो जब भी आपको मौका मिल जाए तो आप कहीं बाहर ले जाओ उनको। हाँ। उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि वेकेशन पे जाने से अच्छा ऐसे होता है टाइम स्पेंड करना, और आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। हाँ। जब आप फैमिली के साथ होते हैं। दूसरा अगेन आई विल से खाना। खाना अभी आपकी क्या है? मैं कोशिश करता हूँ सारे ड्रामे देखूँ, नेटफ्लिक्स देख लूँ या ट्रैवल कर लूँ। ये ड्रामे वाला निकला है अभी अभी जो मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ आप लोगों से। मेरी हॉबी एक चेंज हुई है। क्या मैं खाना बनाता हूँ। ओहो, और जाके ये अभी जैसे दुबई में था। हाँ? लंदन में हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ, कहीं भी खाना बनाया आपने? पहली बात तो ये है कि मैं कभी होटल में ठहरता नहीं।
अच्छा अपार्टमेंट लेता हूँ। अच्छा और अपार्टमेंट जिसमें किचन हो और बेल्कनी हो तो सारा टाइम पकाने में लग जाता होगा, घूमते क्या है फिर? तो अभी वो मैं देखो ना मजा तो इसी का है, वहीं से खरीदारी। सबसे पहला काम ये है कि भी अपना सामान रख के ग्रोसरी के लिए जाता हूँ। अब जब स्टोर में गया हूँ और वहाँ पर जो फ्रूट और वेजिटेबल्स वो सारी चीजें जो मुझे खानी है देखनी है वो मैं खरीदता हूँ और वो ला के भर देता हूँ और फिर अपने हिसाब से। और भाई ये क्योंकि हमारे साथ मतलब यासे के साथ उन्होंने फिल्में की तो ट्रैवल किया है, यासे कहने लगे एक दिन मैं इनके कमरे में चला गया तो ऐसा लगा उन्होंने चेक इन ही नहीं किया, इतना साफ सुथरा सामान सलीके से रखा हुआ और मतलब कि ऐसे कहना लग रहा था कि चेक इन ही नहीं किया एक भी चीज। और अकेले, ये नहीं कि कोई साथ के हेल्प करे, तो अकेले बड़े सलीका शार जो ये हीरो है वहाँ पे हुए। मैं भी कोई 200-300 डिशेस तो मैं बना लेती हूँ डिफरेंट किस्म की, लेकिन मेरे साथ पूरा स्टाफ हो, एक मेरी मेड है वो हो और लोग हो जो मुझे चीजें काट वाट के, ये बड़ी हिम्मत है कि भूल के आप इट्स वेरी ना। और मैं यानी कि फैमिली के लिए बनाता हूँ, दोस्तों के लिए भी बनाता हूँ, ऐसा नहीं है तो, बट मुझे बहुत ये हॉबी आपकी। यस अच्छा जी, जाहिर है उस जमाने में आप लोगों के जमाने में भी ड्रामे बड़े हिट थे, सड़कें खाली हो जाया करती थी, आजकल भी जब बहुत आउटक्लास ड्रामे होते हैं तो उसका बोलबाला होता है, लोगों को पता चल जाता है ये बड़ा हिट चल रहा है। मैं आप लोगों की मेमोरी चेक करना चाह रही हूँ या मैं आपको कुछ क्लूज दूंगी ड्रामों से रिलेटेड, आज के और कल के ड्रामों से रिलेटेड जो मशहूर ड्रामे, मैं उसके कुछ आपको क्लूज देने वाली हूँ, आप लोगों ने गेस करना है कि ये कौन सा हिट ड्रामा है। आइए जी मेरी टीम जरा क्लूज दे। पहला क्लू आप देख रहे हैं सलीम शेख फौजी है और ये सुबह सवेरे सुनहरा सा बहुत मतलब बहुत अच्छा मौसम है, क्या कौन सा ड्रामा लग रहा है आप लोगों को ये देखने में? कौन सा ड्रामा है? बड़ा मशहूर ड्रामा है, आई थिंक इसका नाम कुछ सुनहरे, शोएब मंसूर साहब इसके डायरेक्टर थे, और वो शोएब मंसूर का ड्रामा था। यही से शोएब मंसूर साहब जो है, हाँ अरे वाह, वैसे तो वो पहले भी मशहूर थे लेकिन ये ड्रामा देखने के बाद शायद हमारी जनरेशन। मुझे याद है शोएब मंसूर का जो दूसरा ड्रामा था ना, इसका भी याद है सुनहरे दिन। एक पॉइंट गया जी हमारे कल के लोगों को, एक पॉइंट जा चुका है सुनहरे दिन। ओके नेक्स्ट क्लू दीजिए भाई, नेक्स्ट क्लू हुमायूं सईद एक थप्पड़ मेरे पास नहीं और महंगा हार मेरे पास तुम हो नो मेरे पास तुम हो या ऑब्वियसली ये मुझे पूछने देना था क्योंकि मुझे बाकी ड्रामा का मेरे पास बिल्कुल सही जवाब दिया। एक मैं मेरा सुल्तान देखती हूँ रेगुलर, उससे मैंने स्टार्ट किया और एक कनीज था और एक शायद इनका था कोई लेकिन वो वक्त के मतलब पूरा ये मैं आपने देखा है लिख रहे मोती क्या मोती। अच्छा जी एक मिनट, पहले था वो मेरे पास तुम हो जो हमारे आज के हीरो ने गेस किया और ये नीलम है बिखरे मोती, ये फूलों वाली शर्ट है और मोती बिखरे मोती क्या है बिखरे मोती फूलों वाली शर्ट यहाँ से नहीं ऐसी चीप शर्टें पहन बिखरे मोती मतलब वो मैंने कहा ये शर्टें घर में भी नहीं लाना मतलब पोटली बांध के कहीं कोने में रखी। अच्छा वो शर्ट का वो फूलों वाली जी हाँ उसका क्या ताल्लुक था भाई दिखाया था मोती में उसका क्या ताल्लुक है कैरेक्टर है ना उनके कैरेक्टर की शर्ट ऐसा था कि वो फूलों वाली शर्टें थी उसकी गंदी गंदे और नादानियां भी देखते हैं। अच्छा हाँ क्योंकि वो भी अक्सर हाँ जी आइए भी दिखाइए नेक्स्ट क्लू, अभी तक आपने कुछ नहीं बूझा। मैं तीनों के बाद नहीं वो मेरा था वो मैंने बूझ लिया या अच्छा। मुझे कोई ऐसा दिखाए जो मैंने देखा हो। दिल है एक गली है और एक माइक है, ये तो मुझे भी नहीं समझ अभी दिल की गली में माइक अभी ऑनियर है ऑनियर है हाँ एक माइक है एक गली है और एक दिल है। दिल को बहुत सारी लैंग्वेजेस में अलग अलग कहते हैं ना, दिल मोहब्बत से रिलेटेड होता है। प्रेम गली में अरे क्या जबरदस्त अच्छा प्रेम गली ये हम दोनों को जाता है हम दोनों के साथ बोला और पहले उन्होंने बोला। दो पॉइंट जावेद साहब के हैं, आइए जी देखते हैं नेक्स्ट क्लू ये क्या कौन है। अच्छा एक हाथ का जला हुआ निशान है जलन नादिया हुसैन है और ये दोनों बहन भाई थे बहने हैं
दोनों बहनें? इट्स जलन। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया, जलन। दो पॉइंट्स आप दोनों के हो गए, आज की हीरोइन और कल के हीरो के दो दो पॉइंट्स हो चुके हैं जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, पुलिस रक्षा, रक्षे का धुआं, पुलिस है रक्षे का धुआं है। ये पुराना है या नया? ये पुराना है यार, ये वो तो नहीं है, धुआं है, धुआं धुआं धुआं। पॉइंट जाता हमारे, आप ये हीरो पर आप लगाए, आप ऐसे करें ना गेस्ट हाउस दिखाएं वो मैं पूछ लूंगी। निशा जी का कोई पॉइंट हुआ अभी तक कि नहीं? नहीं, ओ नो नॉट एट ऑल, जीरो। अच्छा जी आगे बढ़िए जी, ये है एक चश्मा रखा हुआ है, हमारा बचपन गुजरा ये ड्रामा देखते हुए भाई, इसका मुझे पता था ऐनक वाला जी का। तो लेट क्यों होंगे यार? मैंने कहा कि शायद किस आप पूछेंगे और पूछेंगे ये, हाँ। तो ये दो, ये सबसे पहले आप दोनों ने गेस किया फिर आपका नंबर आया, तो आप लोगों के पॉइंट्स में एक एक नंबर का इजाफा हो गया। ओके जी नेक्स्ट क्लू दिखाइए, 50 का नोट है, 50-50 तो सामने है आपका, एक पॉइंट और हो गया आज के हीरो के ऊपर। नहीं नहीं ये पॉइंट मेरा है। नहीं नहीं पहले उन्होंने बोल दी, नहीं यार वो आप लेट हो गई, लेट हो गई, आधे दे दे फिर, आधे आधे पॉइंट्स दे, आधे पॉइंट। ओके जी आइए नेक्स्ट, तीन जूता, एक घिसा हुआ जूता है, तीन नंबर क्यों है ये बूझे ना। अच्छा देखिए, एक तो ये घिसा पिटा जूता है, ठीक है, और उस ड्रामे में कुछ तीन 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 लोग कॉलेज नहीं, तीन हीरोज हैं उस ड्रामे में, घिसा पिटा जूता है और तीन हीरोज हैं उस ड्रामे में एक हीरोइन के साथ। अच्छा वैसे अक्सर होता है ना कि किसी पिटी मोहब्बत, अरे वाह लड़की क्या बात है, किसी पिटी मोहब्बत है, इसमें तीन हीरोज हैं और एक लड़की है जो राज कर। अच्छा वो घिसे से जूते को, ओके ओके का जूता बोला तुमने, पिक कर लिया जी। तो दोनों हीरो हीरोइन के चार चार नंबर हो गए हैं भाई, आपके तीन है अभी, मेरा डेढ़ है, 1.5, ये इनके गैबाना तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। आइए जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लू दीजिए, ये है भाई ये एक तो कायदा है, उर्फे ताजी और मोटा और पतला, मोटा वो जो क्या जिन मोटा पतला कहाँ था साथ, वो याद करें 80s का है, याद करें आपके टाइम का ही ये ड्रामा था, मोटा और एक पतला। क्या बात जी, तो एक पॉइंट हमने निश्चित, आजकल वैसे ऑन एयर है दोबारा, ये दोबारा है अगले आए, ये है भाई एक डॉक्टर है, फिर उसके बाद एक छतरी है और ये क्या है, धूप है, धूप किनारे, और कोई क्या 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 बोला, क्या बोला, धूप किनारे, अरे क्या सही यार, डॉक्टर थी उसमें, ये तो ये प्रॉपर है, ये यार देखिए मैंने ड्रामा ये बोला ना कि मेरा हॉबी है ड्रामा देखना, से झूठ नहीं बोला सच बोला, धूप किनारे 5 पॉइंट से लीड कर रहे हमारे आज के हीरो। आइए नेक्स्ट क्लू देते हैं, ओए होए क्या ड्रामा था, मेहंदी मेहंदी, ये भी बड़ा हिट ड्रामा था मेहंदी। तो आप दोनों के हो गए 5-5 पॉइंट्स, लीड कर रहे हैं अभी ये दोनों 5-5 पॉइंट्स से, आपके 4 पॉइंट्स है, आपका 1 पॉइंट है। हाँ जी आइए जी नेक्स्ट क्लू, छोटा सा बच्चा है, हरी चूड़ियां, हरी चूड़ियां, लव लेटर है, प्यारा सा बच्चा, लव लेटर बच्चे का क्या, और हैदराबाद, प्यारे अफसर, प्यारा सा बच्चा है, प्यारे से क्या और होता है, और एक खत है जिसके वजह से, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्लू दिया आपको और पकड़े पकड़ लिया आपने, प्यारे अफजल। तो इस वक्त जो इस सेगमेंट के, अच्छा बात ये है जी, इसमें फिल्म का भी तो होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली मैं कहने लगी थी, रियली आप फिल्मों के दिखाएं ना ताकि हम भी पहचाने, ये ना इंसाफी है मेरे आका, लेकिन इस सेगमेंट में जो विनर है वो आज के हीरो है, सामा मुबारक हो, अवार्ड आपको जाता है, ड्रामे देखने का अवार्ड आपको दिया हमने। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद और
मेरे शो देखने का अवार्ड तो आपको ही जाता है, मैं अपना अवार्ड आपके नाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए कल के हीरो हीरोइन और आज के हीरो हीरोइन के साथ। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। कल के हीरो हीरोइन आज के हीरो हीरोइन हमारे साथ है, लेकिन भाई ये जो कल के हीरो हीरोइन है, आज कौन कौन लड़कियां जो आपके साथ आ चुकी हैं हीरोइन, जरा बताइएगा जावेद साहब। कौन आपके साथ हीरोइन आ चुकी हैं जब अभी जो जवान लड़कियां हैं ना, जरा उमैमा आई एक, एक, एक उसमें आपके ड्रामे में उमैमा थी। यस। और कौन कौन आई है यंग यंग लड़कियों के साथ आपने बड़े ड्रामे किए? तो इसमें क्या कोई, मैं आपको वो कह रही हूँ ना कि कल की नहीं है आप, आज के भी हैं। नहीं कोई केस करना मुझसे। मैंने कहा जरा अब चलिए सोच के रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगी कि लेटेस्ट हीरोइंस कौन कौन सी आपके साथ आई हैं। सब सही है, सब है ना। अच्छा मैं बड़े मजेदार सवाल आप चारों से करने वाली हूँ जी। जाहिर है जब इस फिल्म में होते हैं तो आपके दोस्त भी बनते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो शोबिस से बाहर के होते हैं, मगर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो शोबिस के अंदर के होते हैं, और आपको पता होता है कि इस वक्त के ऊपर मेरे ये दोस्त काम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे वो सवाल करूंगी, आप चारों ने, आप चारों से एक कॉमन सवाल होगा, उसका जवाब आपने देना है कि इस वक्त कौन काम आएगा आपके। ठीक है। पहला सवाल, बीच रस्ते में टायर पंचर हो जाए तो आप किसको पुकारेंगे? फ्रेंड्स को पुकारना है। हाँ। संगीता आएगी फौरन टायर चेंज करने के लिए। टायर वो बिल्कुल मर्द है। ओए होए। बिल्कुल एक दफा शूटिंग पे स्नोफॉल में हाँ। मुझे उठा के पहाड़ पे चढ़ गए मैं। ओह माय गॉड। सर्दी की वजह से। बिलीव मी। आप किसको पुकारेंगे? रेस्टोरेंट में खाने के बाद बिल के पैसे कम पड़ जाएं तो आप किसको पुकारेंगी? क्या क्या? रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद एकदम वॉलेट खोला, ओहो एटीएम भी नहीं चल रहा, पैसे भी कम पड़ गए, क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो आप किसको पुकारेंगे? मैं तो अपने बेटे को कहूंगी कि जल्दी नहीं, से नहीं वो तो मैं तो अभी अच्छा सॉरी सॉरी बेटा नहीं, अभी कोई और शोबिज जो ओ नो 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 पैसे कम पड़ जाने पे किसको पुकारेंगे? सहर खान। सहर खान या मैं आई थिंक सहर खान या ये सब नई नई लड़के, सहर खान की तस्वीर दिखाओ मुझे। सहर खान की तस्वीर दिखाओ ढूंढ के, जल्दी से गूगल करो। हां मोमल शेख। मोमल शेख। अरे पर बेटी आ जाएगी, ये ले भाई, ये ले। आप तो फिर वो रिलेशनशिप आ जाएगा ना कि को आ जाए मगर एक्टर तो होना चाहिए। ठीक है साहिबा। तो साहिबा तो फिल्म स्टार है ना भाई, और क्या। हां ए मैं सहर खान की तस्वीर दिखा रही हूं। सहर खान कौन से ड्रामे में, याद दिलाओ जरा। अभी जो खत्म हुआ सांवरी में था। सांवरी में था। सहर खान लड़का है, लड़की है, मुश्क में भी है, मुश्क में थी। अच्छा मुश्क। अभी मैं दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ कि एकदम नए बच्चे हैं ना, जरा याद आने में जरा ड्रामों के कैरेक्टर्स अभी ज्यादा उस पे आए हुए होते हैं। अच्छा जी, लाइसेंस ना होने पे ट्रैफिक पुलिस रोक ले तो वैसे तो आप लोग शक्ल देख के छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाए तो आप किसको पुकारेंगे? लाइसेंस ना होने में पुलिस रोक लेगी या सिग्नल तोड़ने में पुलिस रोक लेगी, ठीक है, सिफारिश के लिए पैसे भरने के लिए। अभी आप भूल जाएंगे आप जावेद शेख हैं, आप भूल जाएंगे आप निश्चो जी। अच्छा मैं अब्दुल कुदूस हूं। अच्छा अच्छा आप अब्दुल कुदूस हैं। आप किसको सेलिब्रिटी, किस सेलिब्रिटी को पुकारेंगे? किसको पुकारूं? हां कि भाई आओ मुझे छुड़वाओ पुलिस से। हां आई थिंक फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा आएंगे जावेद शेख साहब को पुलिस से बचाने के लिए जी। मुझे नहीं कोई बचाने आएगा, मैं चलान करवा दूंगी। नहीं पुकारेंगे किसे? क्यों रैम्बो को बुला लें? रैम्बो तो आ जाएगा ना खुद ब खुद, जब उसे कहूंगी फिर वो चलान मतलब खत्म करवा देगा। सिंपल रैम्बो जी का नाम लें भाई, रैम्बो रैम्बो आएंगे। हां रैम्बो मेरा दिमाग आएगा मुझे छुड़ाने के लिए। रैम्बो है ना, बिल्कुल। आप बताएं। आई थिंक अगर फेस की बात है तो फेस पे छोड़ना तो दानिश तैमूर। दानिश तैमूर आएगा, आ जाएगा तुम छुड़ाने? ये नहीं पता, सो हो रहा है मैं नहीं आ सकता। लेकिन ये नहीं पता, लेकिन मैं हाँ कांटेक्ट जरूर करूंगी कि हाँ मुझे लगता है किंजा हाशमी बहस करेगी कि वो छोड़ ही देगा। ओके लिफ्ट में अटैक नहीं, लिफ्ट में अगर फंस गए अटक गए तो किसको कॉल में लाएंगे? लिफ्ट में फंस गए सिक्योरिटी नो शोबिज वाले लोगों को, कोई जिनको लोग जानते हो
लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट में से निकालने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए किसको बुलाएंगे? हमजा शेख। हमजा शेख। और आप? मैं अभी सोच रहा हूँ। अच्छा आप सोच। एजाज असलम। क्यों? लंबा चौड़ा ऐसे खोले तो ऐसे करके। गुड वन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आप किसको बुलाएंगे? मैं किसको बुलाऊंगी? बाकी ये तो सोच में पड़ने वाली बात है। संगीता जी को भी बुला लीजिए। मैं संगीता जी को कहूंगी कि आके मुझे निकाल, है ना, वही पहाड़ पे लेके चल सकती है, वही गाड़ी का चार्ज है, पहाड़ पे लेके मुझे गोद में उठा के चली। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त मैं इतनी नहीं थी, मतलब बिल्कुल स्लिम थी। हाँ। माशाल्लाह वो ठीक ठाक बेल बेल्ट उस वक्त भी ठीक। ओए ओए। अच्छा भाई, मेरा है इजाज़ भाई। इजाज़ असलम। ओके भाई, इनको भी लिफ्ट से बचाने के लिए जहाँ जाना। हाँ अच्छा, सिनेमा जा रहे हैं मूवी देखने के लिए और आपके पास सिर्फ दो टिकट्स हैं, एक पे आप खुद बैठेंगे मगर जो साथी होगा वो कौन होगा, किसको साथ सिनेमा मूवी दिखाने ले जाएंगे? ये इस सीक्रेट। उनके सामने नो सीक्रेट। लास्ट मूवी हमने साथ ही देखी थी। उसामा को ले जाओगे? साथ ही देखी सारी मूवी इसके साथ। देखो एक मूवी देखी, अच्छी पार्टनर है मूवी की। हाँ ज्यादा तो नहीं होता है ना, कुछ लड़कियां पूछती हैं ना बातें क्या हुआ। नहीं नहीं, मुझे ये चुप रहती है, मैं भी चुप ही रहता हूं। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ अंदर जाके अननोन होते हैं कुछ। ओके जी, इन्होंने तो तय कर लिया कि ये दूसरे के साथ जाएंगे, देख लेंगे। दो टिकट्स है तो आप किसके साथ जाएंगे? इनसे पूछे। हां मैं किसके साथ जाऊं? हां लंबी लिस्ट है, बहुत लोग हैं। मैं आप चाहें तो मैं। सुनो सुनो, बहुत लोग हैं, टिकट कम है भाई, बात ये है। आप टिकट ज्यादा नहीं, टिकट कम है, थोड़ा सा बॉक्स करवाए मेरे लिए, एक प्राइवेट बॉक्स करवाए मेरे लिए। नहीं फिल्म तो नहीं देखेंगे ना फिर आप? इतने रश ड्राइविंग सिनेमा चले जा। हाँ भाई, कोई एक तो नाम ले दे। मेरे ख्याल आप टिकट किसी और को दे। अच्छा बैरोज साहब के साथ चले जाए, चले वो सेफ आंसर है। किसको? बैरोज। बैरोज पागल हो गए यार, ये खूब बात है यार निदा, व्हाट इज दिस? आठ मूवी देखने चले जाए उनको, ये क्या बात है? तो कोई एक तो नाम लेना, कोई कोई लेटेस्ट बता दें किसी का नाम भी, क्या जिनके साथ गए नहीं है। ये राज ना मायरा को ले जाए, मायरा को ले जाए, मैं सबसे खूबसूरत लड़की बता देती हूँ आपको। कौन? मायरा। मायरा को ले जाए। मैं मायरा तो आया, यस है ना, मायरा को ले जाए। आप मिश्रा जी बताएं। मैं तो पाकिस्तान में तो कोई नहीं, मैं तो अमेरिका से किसी को रिक्वेस्ट करूंगी, कोई मेरा फैन हो वहाँ से आके मेरे साथ मूवी। नहीं ना, अभी फैन थोड़ी जा रहे हैं, अभी तो सेलिब्रिटीज जा रहे हैं ना। सेलिब्रिटीज जा रहे हैं ना, जिनको लोग पहचानते हैं यार, फिर फैन थोड़ी जा रहे हैं। नहीं मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। अल्लाह अल्लाह, अभी राज खुलेगा, कोई राज नहीं है, नो नथिंग, पास होगा। अच्छा अभी नेक्स्ट सवाल। हाँ अच्छा, अवार्ड शो पे कुछ खूबसूरत आपको लगना है भाई, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, तो मशवरा तो बंदा लेता ही ना किसी से, वो कौन सा सेलिब्रिटी दोस्त होगा जिससे आप मशवरा लेंगे, जिसका खुद का स्टाइल सेंस मुझे पता है आपका भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस वक्त अब्दुल कद्दूस हैं, भूल जाए आप जाके। अच्छा पकड़ लिया तुमने अब्दुल कद्दूस। आप किससे फोन करके मशवरा लेंगे, मैं क्या पहनूं या मैं क्या पहनूंगी? आयजा खान। आयजा खान भाई, आप किससे मशवरा लेंगे? आप भी आयजा खान? नहीं सोच रहा हूं। आप किससे मशवरा लेंगे? नदीम साहब से। नदीम साहब से, ओहो। और आप? मैं भी अपनी किसी मतलब सीनियर से ही मशवरा लेना चाहती हूं। साहिबा से पूछ लेना, अक्सर बेटियों से पूछते हैं। एक्जेक्टली, वो बिल्कुल सारा मेरा मेकओवर वहां पे उसके पार्लर पे साहिबा ब्यूटी सैलून पे होता है। वही तो, ड्रेसिंग भी वही सिलेक्ट करती है, कलर एवरीथिंग। अपने बच्चे भूले जा रही है जो स्टार्स हैं भाई। मैं कहती हूँ कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरी माँ है। हाँ भाई, अब इजाज भाई मेरे ख्याल है। इजाज असलम की क्या पहनू? इजाज भाई है वो, मांग भी लेंगे उनसे कोई सूट दे दो। इजाज असलम बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो सबके लिए हेल्पफुल है ना, इसलिए उनका बार बार नाम आ रहा है। अच्छा अगर अगर रोमांटिक फिल्म के आप हीरो या हीरोइन हुए तो आपका क्या, और आपका बस चल रहा है कि आप अपने साथ के जो हीरोइन है या हीरो है उसको कास्ट करें, तो आप किसको कास्ट करेंगे अपने साथ एज हीरो? जावेद शेख किस हीरोइन को कास्ट करना चाहेंगे? निशु जी किस हीरो को कास्ट करना? अच्छा आपके ऊपर ओपन है,
आजकल की भी जमाने को कर सकते। मैं तो नीली को करूंगा। मैं जावेद सर को करूंगा। नीली जी को बड़े हिचकी आती होंगी, बहुत अच्छे अल्फाज में जावेद साहब जब भी मिलते हैं उनका जिक्र करते हैं कि वो बहुत ही ग्रेसफुल खातून है ना माशाल्लाह, और नो डाउट हम मिस करते हैं। यस, कहीं तो नजर आ जाए, कहीं नजर आ जाए, वो देखो नजर आ जाए। वाओ, मतलब लाइक तमीज और तहजीब के बारे में जब डिस्कशन होती है तो जावेद साहब, अभी मैंने अपने साथ हीरो बताना है। हाँ, तो मैं आ रही हूँ आगे, आपकी तरफ भी आ रही हूँ। मैं जरा नीली जी को सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि मैं बहुत उनको मिस करती हूँ ऑन स्क्रीन। जी निशा जी, आप किसके साथ कास्ट होना पसंद करेंगी आज के दौर के? आपके जो मर्जी हो, जो आपकी फेवरेट हो। हुमायूं सईद अच्छे हैं। हाँ हाँ, बस सही नाम ले दिया। हुमायूं सईद के साथ होना चाहिए। जी भाई, आप बताइए। जावेद सर खुली बोल दिया भाई। yes. ओके जी, आप क्या कहते हैं? मायरा। तो ये जी, ये फिल्म की है भाई। ओके नेक्स्ट। अच्छा, अगर खुद ड्राइव आप ना कर सकें और आपको चाहिए एक लंबे रूट पे जाना है, लंबे रास्ते पे जाना है, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा ड्राइवर हो जो आपको एंटरटेन भी रखे, मजा भी आए उसकी कंपनी में, तो आप किस ड्राइवर को अपने साथ लेना पसंद करेंगे? खुद नहीं ड्राइव कर रहे हैं आप, खुद गाने चलाए हुए हैं जी, लंबे रूट पे जा रहे हैं, समझे कराची से लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पार्टनर कौन होगा? मतलब अलर्ट होके जाए नहीं, वो नहीं, और रास्ता भी अच्छा भी हो, तो उसके लिए रैम्बो इज द बेस्ट। बेस्ट, बिल्कुल जी, रैम्बो यहाँ है। क्योंकि हमने कभी लड़ना है, कभी अच्छी बातें करनी है, फिर लड़ाई हो जानी है, और साहिबा ने पर्टिकुलरली हम दोनों को कहा है कि एक सोशल डिस्टेंस से भी ज्यादा एक उस कमरे में बैठे, उस कमरे में बैठे, कोई पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली जैसे आती है ना कि फ्लाइट ना हमवार हो सकती है, तो किसी वक्त भी हमारे बहस में लड़ाई का एलिमेंट आ सकता है। तो खैर, ये कुदरती रिश्ता ऐसा है। आज आजकल नो टॉकिंग टर्म्स बेसिस पे हम दोनों हैं, मैं और रैम्बो। ओए बताने की क्या, और बाकी बातें बता रही हैं आप। हंसती रहती है साहिबा, हंसती रहती है हमें देख, बहुत सही करती है, लेकिन सलाम दुआ करते हैं, ऐसी नहीं है, मैनरिज्म का ख्याल रखा जाता है। साहिबा सही करती है ना, अम्मी भी जरूरी है, मियां भी जरूरी है, बेचारी फंस जाती है बीच में सैंडविच। वो समझदार है, साहिबा बहुत अच्छे से टैकल करती है, मतलब आई नो ऑल। जी जावेद साहब, आपका पार्टनर कौन होगा, ड्राइविंग पार्टनर? शहजाद शेख। हाँ, मजा आता है उसकी कंपनी में। yes. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है वैसे। हाँ. है ना? Oh. बड़ा मजा। ओके भाई, yes. बेटे के साथ, बेटे के साथ आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? मैं उसामा को ले जाऊंगी। क्या हो रहा है ये उसामा? ये बहुत मजाक करता है, ये क्या हो रहा है, फिल्म में भी क्या नहीं है। अच्छा अच्छा हो गया। हाँ, हाँ, मैं सीनियर सी कंपनी ज्यादा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, तो ड्राइव तो नहीं करूंगा, ड्राइव तो मैं ही करूंगा ना। नहीं, ड्राइव नहीं आप करेंगे, ड्राइव किसी और से करवाना। आप किसको चाह रहे थे ले जाना? वरना मुझे लगता है सीनियर्स में मैंने अभी जो रिसेंटली काम किया, मैं कहता हूँ और जानू उनको। हाँ। तो जैसे रुबीना आप है, रुबीना अशरफ है। रुबीना आप ड्राइव, मतलब लाइक आप चाहेंगे कि रुबीना आप ड्राइव करें? और नहीं, ड्राइव ना करें, साथ हो ताकि बातचीत। पर वो ड्राइव करती है ना गाड़ी? हाँ, और तो क्या? हाँ, ड्राइव तो, हाँ, तो वो तो अच्छे ड्राइवर, गुड चॉइस, क्योंकि वो बहुत मजे की बातें करती है, वो बहुत अच्छी बातें। अच्छा, अब मैंने उनको गुर्बत में डाल दिया ना, मतलब आप बहुत बोर हो रहे हैं और आपके पास जो आपके फोन पे जो बैलेंस है सिर्फ एक कॉल का बैलेंस है। एक शख्स को कॉल करके अपनी बोरियत को दूर किया जा सकता है, वो शख्स कौन होगा? मैं तो कॉल करूंगी उमर शरीफ को, ही इज वेरी एंटरटेनिंग, बहुत अच्छी है, खूबसूरत जुगत, खूबसूरत बात, बड़ा अच्छा वो। मैं करूंगा इस्माइल तारा को। इस क्या सब ऐसे भाई एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं हमें, तुम किसको कॉल? आप भी सोच लें, जब तक सोच लिया आप बता दें, जब तक वो सोच। मुझे लगता है वसीम अब्बास। हाँ, उनकी भी बड़ी अच्छी कंपनी है, वो कंपनी बहुत अच्छी है। अरे भाई, वो बड़ा हंसाते हैं भाई। हाँ, मैंने बड़ा सुना है। हाँ, सेट पर। जी आप क्या करेंगे? पता नहीं, पता नहीं भाई, आयजा को ही कर लेना, वो इतना बोलती है, पूरा टाइम कट जाएगा तुम्हारा। हुमैरा बानो आई थिंक। हां, हुमैरा बानो, हुमैरा बानो। सानिया आप कर सकती हो, जो ईमानी की अम्मी है ना। नहीं, हुमैरा बानो को दूसरी वाली, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। जी, तो मैं इस छोटे से ब्रेक ले रही हूँ। हमारे साथ हैं आज के हीरो हीरोइन, कल के हीरो हीरोइन, और मजेदार शो सिर्फ आपका वेट कर रहा है एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ बड़ा मज़ेदार एक टीम क्रिएट हो गई है, कल के हीरो हीरोइन, आज के हीरो हीरोइन, और बड़े मज़े मज़े की इनसे बातें हो रही हैं, इनकी सजेशंस ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये आज के बच्चे हैं, ये भी आज के ही बच्चे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसे मेंटेन किया हुआ है, जाहिर है जिस तरह का माहौल है, आप मतलब लाइक वो कुछ लोग होते हैं जो पुराने वक्त में पुराने वक्त की तरह रह जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आज के वक्त की तरह अपने आप को लेके चलते हैं, चाहे वो ड्रेस सेंस हो, चाहे वो बोलना हो, तो जाहिर है इनके मशवरे बड़े ज़रूरी हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ, क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, दिखा रही हूँ कि नहीं? ओके, मैं क्या करूँगी, मैं खड़ी हो रही हूँ अनु, हाँ मैं क्या करूँगी, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊँगी और फिर आपसे ऑप्शंस मांगूंगी कि आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर में ये ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन अच्छा है कि नंबर टू ऑप्शन अच्छा है। तो आप लोगों ने, आपके पास बजर है, वो आपने वन या टू जो भी आपका दिल चाहे अपनी मर्जी से वो आपने बजाना है। चेक कर लें आपकी चल रही है लाइटें वाइटें, वन और टू की, वन ये है, टू, टू भी बजा के देख लें, दूसरा स्विच टू का है। ये तो बेल ना, देखे बाहर कौन आया? नहीं बाहर कोई नहीं, सब अंदर है, बाहर का दरवाजा बंद है, कोरोना है, हम ज्यादा लोगों को नहीं आने देते। टू दबाओ, ओके सही है, जो जी पहली ये टू है और ये वन वन, बिल्कुल तो बेल है, हाँ ये बेल है जी जी, वो अब दोनों वन टू बजे, ठीक है। अच्छा जी स्क्रीन पे दिखाइए आप क्या है। ओके आपके सामने है अदनान सिद्दीकी नंबर वन पे, नंबर टू पे है शहूद अलवी। आपके ख्याल में अगर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया जाए, ठीक है नेगेटिव कैरेक्टर, तो वो ज्यादा अच्छा कौन प्ले करेगा? किसने क्या जवाब दिया, मैंने नहीं देखा। मैंने आपने नंबर वन का, आपने क्या कहा नंबर टू, आपने क्या कहा नंबर टू, आपने क्या कहा नंबर वन। ओके तो निशु जी और उसामा का सोचना है कि अदनान नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले करेगा, और यहाँ जैनब और जावेद साहब कह रहे हैं कि जो नंबर टू है यानी शहूद अली, वो नेगेटिव कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले करेंगे। आइए जी बढ़ते हैं दूसरी की, हाँ भाई दिखाइए इधर दूसरी। नंबर वन पे रीमा है, नंबर टू पे मानूर बलोच, दोनों में से कौन सी ऐसी हीरोइन है जिन पे वक्त, एज इज जस्ट अ नंबर, वक्त कोई असर ही नहीं डाल रहा? नंबर टू, क्या बज रहा है? नंबर टू, नंबर टू, हाँ टू। अच्छा अब हम अगले से बजर नहीं दबाएंगे क्योंकि मैं तो परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या करूँ। नंबर वन, नंबर वन रीमा, आप क्या कह रहे हैं? नंबर टू, नंबर टू, अब बजर नहीं बजाएंगे, वो अजीब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सुनू के देखू। मैं कहती हूँ हमारी बहन होती है, जल्दी से देखो बाहर कौन आया। हाँ आप क्या कह रहे हैं? मानूर नंबर टू जी, टू टू, आप क्या कह रहे हैं? टू टू। तो तीन लोगों ने कहा कि मानूर है, मतलब कोई एज जस्ट नंबर, कोई असर ही नहीं हो रहा जमाने का, पता नहीं क्या गीदर सिंह का ही है, हसीन की माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए माशाल्लाह। ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिप सोशल, एक नंबर वन पे यासिर हुसैन है और नंबर टू पे ईमन है। सोशल मीडिया पे हुक्मरानी इन दोनों में से किसकी है, एमन की यासिर की? बजर ना बजाएं, ऐसे ही बता। नहीं मुझे मजा आ रहा है, मजा आ रहा है एमन, एमन की। आपको क्या लगता है? एमन, एमन की, हाँ जी यासिर, यासिर की, एमन, एमन की। तीन लोग कह रहे हैं एमन की क्योंकि एमन के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि खबरों में हमेशा है ना, हर खबर पे नजर यासिर, हाँ खबरों में ऑब्वियसली। आप यूज करते हैं सोशल मीडिया? नहीं मैं तो नहीं, इंस्टा विंस्टा नहीं करते? सुनते हैं कुछ भी नहीं, खबरें वबरें भी नहीं देखते। हाँ मैं पहले फेसबुक पे था, इंस्टा पे था, ट्विटर पे था, सब बंद कर दिया। फिर क्यों, वजह? ऐसे ही बस, आई डोंट नो, सर में दर्द हो जाता होगा। हाँ यस, टाइम वेस्ट होता है और काम है बहुत, बहुत काम है यार भाई जी। निशु जी आपको क्या, आप सोशल मीडिया पे हैं? हाँ थोड़े बहुत, कुछ शेरो शायरी नज़में वज़में सुनाती हैं? बिल्कुल अपनी नज़में वहाँ पे, कोरोना के बारे में अभी मैंने बड़ी अच्छी नज़्म, इंस्टा पे बोल दे जल्दी से जी जी। कोरोना की एहतियात करो ना, दूर दूर से बात करो ना, टच नहीं इन टच है रहना, फासले से मुलाकात करो ना, दहशत गर्दी और महंगाई सबको दे गया मात कोरोना, और अपने रब से माफी मांगो, सदका और खैरात करो ना। गुड है, गुड है, गुड है, ये नसीहत भी है आजकल चल रहा है, बहुत जरूरी से आप बहुत जरूरी रहे हैं। अगला सवाल, अगला दिखाइए। हाँ अच्छा पहले नंबर पे हैं हुमायूं सईद, दूसरे नंबर पे हैं फैसल कुरैशी,
कौन दोनों में से कौन सा ऐसा एक्टर है जिसमें हीरो के अलावा कुछ और जचता ही नहीं है? हुमायूं के हुमायूं पे आप कहते हैं जावेद साहब, हीरो के अलावा मतलब लाइक हीरो होना चाहिए बस, हुमायूं आप क्या कहते हैं? फैसल कुरैशी। फैसल जी आप क्या कहती हैं? हुमायूं से। हुमायूं से। हुमायूं से। तो ये फैसल जो है यंग टू ओल्ड कैरेक्टर भी कर लेती है, हर तरह के कैरेक्टर कर लेती है, बस स्टाइल है। हाँ, और हुमायूं ने हीरो का सेट लगाया हुआ है। लेकिन नहीं, माशाल्लाह, नो डाउट हुमायूं ने आपको मेंटेन भी बहुत अच्छा किया। कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ ये हीरो नहीं आए और हर हीरोइन के साथ हीरो आना चाहती है? तो हमारे दो बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स। ओके जी, हाँ जी, ओके। मतलब यहाँ नंबर वन पे हैं आयशा खान, नंबर टू पे है मायरा। दोनों में से कौन सी एक्ट्रेस ऐसी है ज्यादा जिसको शादी और बच्चों ने कुछ बदला ही नहीं, ज्यादा और खूबसूरत हो गई ना बच्चे और शादी वादी के बाद? मायरा खान, अनडॉटेडली मायरा। मायरा दोनों वैसे दोनों है, वैसे दोनों है, मैं कंपैरिजन करी, दोनों चूज हमने की है। मायरा जी आइए जी, अगला अगला। ओके अच्छा, नंबर वन पे सकीना समूह। सकीना समूह, अच्छा नंबर वन पे सकीना समूह है, नंबर टू पे सबा हमीद है। और मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ कि जो तेज सास का कैरेक्टर है वो इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन निभा सकता है, सबा हमीद या सकीना समूह? जो है ना, आई थिंक सकीना करेगी। हाँ, दोनों कर रहे हैं एक्चुअली ड्रामे, दोनों ये लोग तेज तरार सास ड्रामे में बने हुए हैं दोनों। अच्छा, एक किसी पुटी मोहब्बत में वो बनी हुई, क्या नाम है उनका, सबा? सबा। और मैंने नहीं, सबा जो है ना, हाँ। बड़े मतलब धीमे रोल करती है। नहीं, वो तो है, लेकिन वो कनी रोल भी बड़े नफासे से करती है। हाँ, तो आप कहती हैं सबा। सबा और आप क्या कहते हैं? सकीना। मैं कहता हूँ, खैर इन्होंने घिसी पिटी मोहब्बत देखा नहीं, बहुत फर्क है, बट जो कनिंग रोल आप कह रही हैं, आई थिंक सकीना अच्छा करे, अच्छा करे, आई थिंक। और आप क्या कहती हैं? अगर मुझे लगता है कि स्ट्रिक्ट सास हो तो सकीना जी अच्छा करेंगी, और अगर कनिंग हो या नेगेटिव हो तो सबा। मैं इससे ऑपोजिट है मेरे ख्याल से, कि वो कनिंग सकीना समो, और ये जो एक नफासत के साथ जो तेज होंगी वो सबा। अरे भाई, जाके किसी बटी मोहब्बत देखें, जो रोल कर डाल है ना, मेरी फिल्म थी बहिश, उसमें नय्यर भाभी ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने वो बड़ी पुरवकार किस्म की जालिम सास उन्होंने खुदकुशियां करवा दी, और लेकिन अपनी डिग्निटी और अपना अकल और वाइजली बड़ा उन्होंने हमें दोनों को, हीरो हीरोइन को खत्म कर दिया। ओके जी, नेता कौन सा ड्रामा आप कह रही हो? ये घिसी पिटी मोहब्बत। अच्छा, वो जाके आप देखिएगा बड़ा। अच्छा, क्या एक्टिंग की है ना, खिला दिया। ओके जी, नेक्स्ट। ओके, तेज नंद का कैरेक्टर जवेरिया ज्यादा अच्छा करेगी या ये सना अस्करी? दोनों कर रही हैं इस वक्त, नंद का कैरेक्टर नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं दोनों इस वक्त, चल रहा ऑन स्क्रीन। नंबर वन पे मोहम्मद अहमद है, नंबर टू पे जो है वो मोदी है हमारे, वो भी महमूद असलम साहब। तो जो नफीस सुसर का कैरेक्टर है, मासूम सुसर, वो दोनों में से कौन ज्यादा? बिलाल अब्बास है, नंबर टू पे वहाज है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से लंबी रेस का घोड़ा कौन है, यानी कि ज्यादा अरसे तक, लाइक एवरग्रीन? जावेद शेख साहब, बिलाल अब्बास, बिलाल अब्बास। निशा जी भी कह रही हैं बिलाल अब्बास, ज़ैनब भी कह रही है दोनों। ये दोस्ती नहीं निभा रही। ये दूसरे हीरो कौन है? ये बहाज। बहाज भी बहुत अच्छा लड़का है। बहाज बहुत। हाँ, हमने तो देखिए, हमने रखे ही दोनों
जो रखे हैं कंपैरिजन करने के लिए रखे हैं, क्योंकि दोनों ऐसे हैं। वाज बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे लगता है कि वाज का भी एक अच्छा फ्यूचर है। तो तुम चुन लो ना, वाज को डर क्यों रहे हो? ठीक है, तो वाज को चुनो। ओके जी, नेक्स्ट ना तस्वीर पे लगा दो। कौन सी एक्ट्रेस, यानी एक तरफ मेरे है नाम बताओ जल्दी से, अलीजे शाह, और दूसरी है जबाब राना। दोनों आपको लगता है वो, ये तो नहीं कह सकते लंबी रेस की घोड़ी, मतलब लाइक ज्यादा एवरग्रीन, कौन सी हीरोइन अपना रंग जमाती रहेंगी? क्योंकि हीरोइंस जो है उनका स्पैन थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, बच्चों के बाद हीरो ज्यादा लंबा, वो ज्यादा देर तक चल कर उनसे पूछ ले। तो ज़ैनब, अलीजे तुम्हें लगता है? अलीजे क्योंकि कमबैक कर चुकी है दोबारा, एक दफा पीछे हुई थी फिर वापस आ गई। अलीजे आपको क्या लगता है? तो आप एज हीरोइन आपने क्या सोचा है, किसको कास्ट करना? नहीं अभी एक फिल्म कर रहे हैं। नहीं मतलब आपकी फेवरेट आजकल कौन अच्छी लड़की है जो आपको लग रहा है? देखिए फेवरेट मेरा उसी कैरेक्टर होता है। हाँ बात ये है कि भाई उसमें सूट कौन करेगा। अच्छा, जैसे जब मैंने वजूद बनाई तो मेरे घर में झगड़ा हो गया कि भाई दानिश उसमें हीरो है, शहजाद क्यों नहीं है? मैंने कहा भाई शहजाद को रोल सूट नहीं कर रहा, नो डाउट मेरा बेटा है बट मैं ये काम नहीं कर सकता। अच्छी बात की, बड़ी बात नहीं, अच्छी बड़ी बात। ऐसा नहीं है कि फादर तो अपने बेटे को, मैं उसको रोल दे दूं। हाँ जब उसका रोल आएगा शहजाद का तो उसको मैं उसी हिसाब से लेके आऊंगा। हाँ। तो ये रोल उसका नहीं। अच्छा, अगर मोमल पे सूट करेगा कोई कैरेक्टर तो मोमल को आप लेकर आएंगे फिल्म में? नहीं, अगर सूट करे, अगर सूट करेगा। देखा ना, दो दो इस इंडस्ट्री में मैंने दो काम किए, ना मोमल और ना शहजाद के लिए आज तक मैंने किसी को फोन नहीं किया। लेकिन सलीम, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, तो आपने किया है ना? सलीम के लिए भी नहीं किया, सलीम को सबसे ज्यादा फिल्मों में चांस मैंने दिया। Yes. You see? Yes. चीफ साहब, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, ये दिल आपका हुआ, खुले आसमान, मेरा मतलब है वो सारे सलीम ही था। तो जी ये आज का शो था, हमारे कल के हीरो हीरोइन, आज के हीरो हीरोइन, एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन सच्ची बात है, मैं आपको कल का इसलिए नहीं कहूँगी कि आप एवरग्रीन हैं, अब हम आपको मेंटेन रखते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, क्योंकि असल तो पूंजी जिंदगी की यही है ना, सेहत बिल्कुल बहुत जरूरी है, जान है तो जान है बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, और जैसे लाइक जो नए लोग हैं उनको सिर्फ हम लोग ये कहना चाहेंगे वही PPP पैशन पेशेंस एंड पंक्चुअलिटी, ये वाली चीज तो भाई मैंने रट ली है, ये सारे नए बच्चों को, ये मैंने भी आज से रटना शुरू किया है, लेकिन इस पे बड़े अरसे से कर रहे हैं इस पे। थैंक यू आप लोगों का, चारों का बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ और मेरे साथ कौन होंगे वो ब्रेक के बाद पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई देखिए आज तो आप एवरग्रीन स्टार्स से मिले हैं, और एवरग्रीन रखने के लिए अपने आप को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसी लाइक बिजनेस वुमन से जो अपनी ब्रांड आपके सामने लेकर आई हैं, और उस ब्रांड का नाम है IQ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, और उसकी जो CEO हैं वो हैं बुशरा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल द वे लाहौर से आई हैं माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। तो बुशरा, इतनी सी यंग सी एज में आप क्या क्या, ये तो लोगों की ब्यूटी को एनहांस करने के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आई हैं? भाई न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू एनर्जी के साथ आई हैं अगेन आज आपके शॉप पर। हमने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पील ऑफ वैक्स। ये क्या होती है पील ऑफ वैक्स? लाइक वैक्स करने के लिए नॉर्मली क्या होता है कि आप वैक्स लगाते हैं, बाद में आप स्ट्रिप वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करके देन आप उसको रिमूव करते हैं, बट पील ऑफ वैक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करते हैं फिर? पील ऑफ वैक्स लाइक अ पील ऑफ मास्क, आपने वैक्स लगाई और आपने उसी को ही ऑपोजिट डायरेक्शन उसको रिमूव कर, खुद ही बगैर किसी लाइक जो कपड़ा वगैरह कुछ भी लगाया जी। और ये कितनी देर बाद, जिस तरह हम वैक्स नॉर्मली करते हैं उसको पुश करना है ताकि जो जितने भी हेयर्स हैं उनकी ग्रिप उसमें आ जाए। अच्छा। और उसको एकदम से रिमूव कर, खुद ही कर लें, खुद ही कर लेना है, किसी दूसरे की आपको नहीं, कोई दर्द नहीं होगा, इवन पेनलेस है। और ये गर्म करके करना है कि ठंडा? ठंडा नहीं, इसको जो है वो 1 या 2 सेकंड के लिए बस हीट किया जाता है ताकि ज्यादा गर्म ना, गर्म पानी की देगची में रख के उसे 2-3 सेकंड के लिए उसके अंदर इसको रखें, ये जो है वो मेल्ट हो जाए। माइक्रो में तो नहीं रखना, नहीं जरूरत नहीं है।
और इससे बालों की ग्रोथ कम आती है। क्या होता है ग्रोथ कम? ग्रोथ कम हो जाती है, पेनलेस से, इतनी ज्यादा पेन और सेंसिटिव स्किन है जिनकी वो कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पे चीज़ है, सूथिंग मिस्ट। लाइक अगर रेडनेस वगैरह हो जाए, आप उसके ऊपर सूथिंग मिस्ट अप्लाई करें, वो रेडनेस खत्म हो जाएगी। अक्सर लड़कियाँ जो दूसरी वैक्स करती हैं नॉर्मली, उससे पिंपल्स भी आ जाते हैं फेस पर, करते हैं ना फेस पर, वो बहुत हार्श होती है। और फेस पे भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, अपर लिप्स पर, आप आईब्रोज पर, पूरे फेस पर, फुल बॉडी पे भी, एग्जैक्टली, खुद इसको कर सकते हैं, किसी दूसरे की आपको जरूरत नहीं है। ये नई प्रोडक्ट है, नई प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में बहुत कम है इस तरह की वैक्स, तो ये हमने स्पेशल बनाई। अच्छा, एक तो ये हो गया हेयर ग्रोथ का मसला। एक खवातीन को क्या होता है, धूप की वजह से ना, ये देखो मसाम सारे खुल जाते हैं, नाक के पास, गालों में, ओपन पोर्स, गर्मी आ रही है, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा, स्किन ऑयली बहुत होगी, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा होंगे। उसके लिए हमारे पास ये ओपन पोर्स टोनर है, ये ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा। ये क्या स्प्रे है, मतलब ऐसे स्प्रे करना है, कोई आपको कॉटन पैड की जरूरत नहीं है, सिंपल आप स्प्रे करें 2-3 times, तो ये आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करेगा। प्लस अगर आप ओपन पोर्स को अपने गर्मियों के लिए क्योंकि अगर ओपन पोर्स आपके श्रिंक ना हो तो वो ब्लैक हेड्स होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद पिंपल्स और स्कार्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो यहाँ पर ब्लैक हेड्स के लिए भी हमारे पास जेल मौजूद है, ये वाली। ये ब्लैक हेड्स का जेल क्या करता है? ब्लैक हेड है, जहाँ पर ब्लैक हेड्स है वहाँ पर अप्लाई करें और देन 10 minutes के बाद टिश्यू की मदद से, नाक पे ब्लैक हेड्स हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आपका जेल लिया जी और ये अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया, 10 मिनट छोड़ दिया, छोड़ दिया। उसके बाद एक टिश्यू लिया और उसको यूं पुश करके टिश्यू की मदद से, जैसे जैसे पुश करते जाएंगे ब्लैक हेड्स बाहर आते जाएंगे। ओ जबरदस्त यार, घर में बैठे कौन जाए, कोरोना इतना डर लगता है। बिल्कुल, सारी चीजें घर में बैठ कर। अब गर्मियां जैसे कि आ गई हैं, स्किन ऑयली होगी और स्किन बहुत टैन हो रही है, टैन हो रही है, एग्जैक्टली, ऑयली हो जाएगी, टैन हो जाएगी, स्किन डल लगेगी, जो हमारे से यूज कर लें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे कॉफी फेस वॉश है। ओ अच्छा, स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करेगा, इंस्टेंट आपके ऑयल को कंट्रोल करते हुए स्किन को ब्राइट करेगा। उसके अलावा टैन आपने बहुत अच्छी बात की है, उसके लिए ये पिंक ग्लो स्क्रब है हमारे पास। अच्छा, इसको आपने वीक में 2-3 times स्क्रब करना है, ताकि जितनी भी टैनिंग है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए, डेड स्किन सेल्स रिमूव होंगे, स्किन फ्रेश लगेगी और आपको फेशियल करवाने की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, वो जो छाइयां होती हैं, पिगमेंटेशन होती है, ये अलग है, रंग ये अलग है, उसके लिए कुछ है आपके पास? उसके लिए हमने पिगमेंटेशन के लिए पूरी एक अपनी किट लॉन्च की है। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमारे पास ये देखिए विटामिन सी सीरम, विटामिन सी जो कि पिगमेंटेशन के लिए सबसे परफेक्ट जो चीज़ है, पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी है। उसके अलावा एक हमने यहाँ पे मैजिकल मास्क अपना लॉन्च किया है, जो कि डायरेक्ट पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा। ये लगा लें आप? हाँ, रात को लगा लें, 10 मिनट के बाद फेस वॉश कर लें इसको, दिन हफ्ते में कितनी दफा? इसको वीक में 2-3 times लगाना है। ये विटामिन सी सीरम को डेली अप्लाई करना है। इसके अलावा हमारे पास सोप है, वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, सोप है वो पिगमेंटेशन के लिए, पपाया सोप। तो ये पूरी एक किट है जो जस्ट पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगी। पिगमेंटेशन तो बहुत ज्यादा इशू है ना पाकिस्तान में, हेयर फॉल भी बड़ा इशू है, उसका क्या है? हेयर फॉल के लिए दिस वन हेयर सीरम हमारी, हॉट से लगेगा, हॉट सेल प्रोडक्ट है ये, ऑयल में मिक्स करके लगाया जाता है। जैसे कोई भी ऑयल, कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट है, जो कि आपकी डैंड्रफ को भी कंट्रोल करेगा। आपने कोकोनट ऑयल लिया, उसमें 7-8 drops इसके ऐड किए, और सबसे मज़े की बात यह है कि 7-8 drops ऐड करने हैं, लाइक छोटी सी एक बोतल है, वो 3-4 months आराम से यूज़ हो जाएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। एक बोतल लें, 3-4 माह आराम से अपने हेयर फॉल के इशू से आप। अच्छा, आपकी गर्मी होती है ना, दिल चाहता है 3-3 दफ़ा शावर लें। हाँ हाँ, अब आप चले, आपने एक दफ़ा शैम्पू लगाया, लेकिन जब पानी पड़ता है बालों पर, बाल ड्राई होना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, उसके बाद हमारे पास लिव इन कंडीशनर हमारी वेबसाइट पे है, वेबसाइट www.ikorganicsolution.pk वेबसाइट है, उस पर लिव इन कंडीशनर है, जो कि रफ बालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। प्लस अगर आपने बाल अपने स्ट्रेट करने हैं, तो उसके लिए जब आप बालों को हीट करते हैं ना, तो बाल आपके ड्राई एंड डैमेज हो जाते हैं, तो आप उसको एज अ हीट प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारी सबसे अच्छी प्रोडक्ट है उसके हवाले से। और एक्ने के लिए कुछ है, दाने का आप रह गई हैं बताना, सब बता दिया, लेकिन दाने जो है ना, वो भी बड़े बेचारी लड़कियों को हो जाते हैं, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, ये फॉरहेड पे हो जाएंगे, उसके लिए हमारे पास ये एक्ने सीरम है, एक्ने सीरम, ये आपके दानों को रिमूव करता है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो इस तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगे ना, तो उनको और पिंपल्स होने लग जाते हैं, यू नो, ये क्या चक्कर है? ये देखें, हम जब घर की सफाई करेंगे तो गंद बाहर निकालेंगे तो घर साफ होगा,
इसी तरह से हमारे स्किन के इश्यूज होते हैं, 7 लेयर्स है, अब नहीं पता एक्ने किस लेयर तक वो उसके जो जम्स जा चुकी हैं, जब तक वो जम्स बाहर नहीं आएंगे आपकी स्किन नहीं क्लीन होगी, स्टेप बाय स्टेप नीचे से स्किन क्लीन होने लग जाती है, वो जो पिंपल्स है वो बाहर आएंगे, उसके बाद ही वो पिंपल्स रिमूव होंगे। वो लड़कियाँ क्या करती हैं, एक हफ्ता यूज़ किया, नहीं नहीं हमें तो और पिंपल्स हो रहे हैं, हमने इसको यूज़ करें, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करें, आपको रिजल्ट देगी। प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो हैं वो साइड इफेक्ट को नहीं देती, आपको फ़ायदा देगी, नुकसान कभी नहीं देगी, ये इनका फ़ायदा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा चिया सीड, वेट लॉस के लिए, वेट लॉस जो है ना खवातीन को बहुत पसंद है, और ये इससे बहुत कैसे वेट लॉस होगा चिया सीड, ये आपने अपने डाइट में ऐड करना होता है। अच्छा, नाश्ते में आप सूथी बना रहे हैं उसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में सैलड के ऊपर आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं, 1 to 2 स्पून आपने यूज़ करने होते हैं। अब कुछ जो हैं वो खवातीन डरती हैं कि कहीं हमारा स्टमक इशू ना हो जाए या कुछ तरह की इशू, मतलब रात को 1 to 2 टी स्पून आपने भिगो दिए दूध में, हाँ मिल्क में, बिल्कुल, और उसके बाद सुबह, ये मैं भी लेती थी वैसे, और सुबह जो है फिर आपने नाश्ते में ये खा लिया, इसीलिए आपकी जो इतनी फिट है, 4 kg बढ़ गया है, 4 kg लूज करना है, फिर आपने ये मैं आपको गिफ्ट करके जाऊंगी। हाँ यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज, और पाकिस्तान में मिलती कम है, बहुत कम मिलती है, और ये हड्डियों के लिए तो ओहो ऐसी जबरदस्त है ना, ये बहुत स्ट्रांग करती है। इसके अलावा दिल के जो मरीज है उनके लिए ये बहुत परफेक्ट चीज़ है, तो ये ओवरऑल बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा आपको डार्क सर्कल सिरप आपका किस चीज़ के लिए, डार्क सर्कल्स तो नहीं आपको बहुत है, यानी ये भी खराब नहीं है, डार्क सर्कल्स ऐसे हल्के हैं कि जैसे अगर सनग्लासेस लगाए, सुबह जाहिर उठती हूँ बिल्कुल सालों से नींद पूरी नहीं होती, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये फिर आपको गिफ्ट करके जाएंगे। क्या क्या देगी सब चीज़ों की आपको जो जो चाहिए आप ले लें, सब आपके हैं। एक तो वो जो है ना स्प्रे, ओपन पोर्स बेस्ट चीज़ है, कैसे ऑर्डर करें, www.ikeorganicsolution.pk। हाँ। इसके अलावा डिस्काउंट कोड लेकर आए हैं आपकी ऑडियंस के लिए, क्या डिस्काउंट कोड है, GMP10 GMP10 हाँ जी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या 50% डिस्काउंट देंगे आप, 10% GMP10% टाइप करेंगे जी जी तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट एग्जैक्टली। तो ये हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट्स है, 3 तो आपको बड़े पसंद आए थे जब हम लास्ट टाइम आए थे, तो उसको हम भूल नहीं सकते अगेन से बताने के लिए कि ये नेचुरल जो है वो आपकी यहाँ लगाया ब्लश ऑन के तौर पे, यहाँ लगाया यहाँ पे भी, तो पूरे मुंह पे लग सकता है, पूरे मुंह पे लिपस्टिक के तौर पर लोग इसको यूज करते हैं, एकदम फ्रेश लुक आ जाती है बिल्कुल। अब वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो स्टे करेगा, 24 आवर्स स्टे करेगा आपकी स्किन के ऊपर, ब्लश ऑन लगाए तो वो टेंशन पड़ जाती है कि ये कहीं अभी उड़ जाएंगे, दोबारा लगाने पड़े, तो ये एक चीज में इन्वेस्टमेंट होती है और आपको सुकून मिलता है, आप एक साल दो साल के, आजकल लड़कियों ने तो लगाने ही छोड़ दी लिपस्टिक को, टिंट्स लगा, टिंट्स क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल वो देते हैं लुक। अच्छा, इसके अलावा टॉनिक है हेयर ग्रोथ के लिए, जो कि 12 हर्ब से मिलकर बना है, जो लड़कियां कहती हैं हमारे बाल स्टॉप हो गए हैं, भरते ही नहीं, ये उसके लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, कि अगर स्टॉप हो गया तो 1 मंथ यूज़ करें, आपको पता चलेगा कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्लस जो उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, आजकल ये बहुत इशू चल रहा है, 16-17 साल के जो लोग हैं, हमें जब DMs आते हैं, क्यूरीज आती हैं कि जी हमारे 16 साल है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि ये आपके जो ग्रे हेयर्स हैं। अच्छा, कितने दिन में डिलीवरी करेंगे, जैसे आज ऑर्डर करता है कोई अगर तो कितने दिन तक पहुंचेगा? लाहौर में अगर कोई डिलीवरी ऑर्डर करता है तो वो तो 24 आवर्स में डिलीवर हो जाता है, अगर कोई कराची में करता है तो उसके लिए 2 से 3 दिन लगते हैं, डिलीवरी हो जाती है। अभी सिर्फ पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं? हाँ जी, अभी पाकिस्तान में, अभी हमारे चल रही, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंटरनेशनल कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे आउटलेट्स आ रहे हैं लाहौर में, हम आउटलेट्स खोलेंगे। हाँ जी, ताकि आप जाके फिर बिल्कुल कराची में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसको ओपन करने का। किसी लड़की क्या क्या करेगी, बस काम बड़े लेकिन देखिए ऑडियंस की नीड है। हाँ, ये चीज़ें जो है वो हमारी ज़रूरत बन चुकी है, हेयर फॉल के बगैर हम नहीं गुजारा कर सकते, स्किन ख़राब है तो फिर अच्छे कपड़े पहन के क्या करना है जब आपकी स्किन ही नहीं अच्छी है। इससे के अलावा हमारे पास, मैं तो कहती हूँ जोड़ा वोड़ा थोड़ा बाद में खरीदे, ये इस पे इन्वेस्ट करें, स्किन अच्छी हो तो फिर आप कुछ भी पहने, बिल्कुल कुछ भी पहने तो सूट करेगा, स्किन अच्छी हो। अब आप मेकअप भी अगर करवा लेते हैं, अगर आपके पोर्स खुले हैं, मुसाम खुले हैं, वो मेकअप सूट नहीं करेगा, दाने हैं तो आप वो मेकअप, अगर पिगमेंटेशन है तो कितना मेकअप कर लेंगे, कितनी बेस लगा लेंगे, पिगमेंटेशन नहीं रिमूव होगी, मेकअप भी आपके फेस पर अच्छा नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा शो पे आने का और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का। जी जनाब, ये था हमारा आज का शो, मी तो आप
आपको बहुत मजा आएगा, मुझे तो बहुत मजा आया, हमेशा आपके साथ लाइव शो करके इंजॉय करती हूँ। इंतजार करें कल तक का जबरदस्त शो, सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार करेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। गुड मॉर्निंग।